हाय फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। सो डियर फ्रेंड्स, मैं अब वापस आ गई आपके लिए फेब्रुअरी 2022 की रीडिंग्स लेके। सबसे पहले अपने सारे फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ आपके विशेस के लिए। मेरे लिए आई एम हीलिंग, रिकवरिंग, और साइमल्टेनियसली बैठे बैठे काम तो चलते ही रहना चाहिए, इसलिए काम भी कर रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा होप कर रही हूँ कि मंथ ऑफ फेब्रुअरी जो है 2022, हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइट एनर्जी से आना चाहिए। मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी में काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो थे, खास करके मरक्यूरी वीनस जो थे, रेट्रोग्रेड में थे। उसके बाद ये सन और सैटर्न का एक कंजंक्ट भी हुआ है जनवरी एंड से, तो हम सभी ने थोड़ी सी अब चैलेंजिंग एनर्जीज देखी हैं इन मंथ्स में। तो अब मैं प्रार्थना करती हूँ पहले ही, और मेरे साथ जो जो भगवान कनेक्ट हुए हैं इस रीडिंग के लिए, इनफैक्ट मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं जानती भी नहीं थी, बट रामदास गुरु हैं एक, जो गुरु नानक जी के भक्त थे, जिन्होंने अमृतसर गुरुद्वारा जो है वो उनकी ब्लेसिंग से बना है, ये मुझे पता चला जब मैंने उनके बारे में रीड किया। तो वो मुझसे कनेक्ट हुए हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो अगर आप में से कोई अमृतसर गुरुद्वारे को जाकर कर सकें विजिट, तो ज़रूर जाइएगा, उनकी ब्लेसिंग आएगी वहाँ से। कोविड के टाइम्स हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ पर नहीं बना पाती, पर चलो। दूसरी गॉडेस ब्रिजिट कनेक्ट हुई हैं। गॉडेस ब्रिजिट जो हैं वो गॉडेस हैं हमारी क्रिएटिविटीज़ की, हमारी इंस्पिरेशंस की। फायर एनर्जी से इनका कनेक्शन होता है, पोइट्री में हेल्प करती हैं, जो भी क्रिएटिव परस्यूट्स होते हैं उनको ये हमारी ज़िंदगी में बढ़ोतरी देती हैं। तो जैसे एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, ये सब चीज़ें वो लेके आएंगी। ज़्यादातर हीलिंग हमारी सोलर प्लेक्सस चक्रा और सेक्रल चक्रा की इन गॉडेस के थ्रू होती है। इसके साथ साथ जो मैंने सेंस किया है, डेफिनेटली कृष्ण भगवान जी की एनर्जी मुझे लग रही है इस मंथ में हमारे साथ रहने वाली है। हार्ट चक्रा को हमें हीलिंग आएगी, और शेरावाली माता की एनर्जी तो पूरे साल के लिए हमारे साथ थी। तो मैं सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स को, असेंडेड मास्टर्स को, और ख़ास करके एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, एंसेस्टर्स को, अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ। हमारी जितनी भी डिज़ायर्स होती हैं उनको मैनिफेस्ट करने में हमारे एंसेस्टर्स हमें हेल्प करते हैं। तो डिजीज लव वंस इन हेवंस और हमारे एंसेस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी दीजिए, मैं भी देती हूँ, और इस नोट पर हम शुरू करते हैं अपने बहुत ही सुंदर मंथ फेब्रवरी की शुरुआत करते हैं। स्प्रिंग सीजन आने वाला है और मौसम भी बदल गया है, तो देखते हैं बदलते मौसम के साथ हमारे लिए क्या क्या गाइडेंस। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, आपके सामने तीन पायल्स रखी हैं। ये पायल नंबर 1 है, पायल नंबर 2 और पायल नंबर 3। क्लियरली पॉज कर लीजिए अपने वीडियो को, ध्यान से देखिए कौन सा कार्ड, कौन सी इमेज, कौन से कलर्स आपको आकर्षित करते हैं। जो भी आपको बुलाते हैं वही आपकी पायल होगी। इसके अलावा और भी तरीके हैं चूज करने के, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे। अगर एंजल नंबर्स फॉलो करते हैं, रिपीट नंबर्स, कोई नंबर्स को रिलेट कर पाते हैं, तो वहाँ से आप अपनी सिलेक्शंस कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैंने हमेशा ही बताया है, आप पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 की चिट्स बना लीजिए, माता रानी के सामने प्रेयर करके वो चिट्स गिरा दीजिए, और किसी भी भगवान से, हायर सेल्फ से आंख बंद करके एक चिट उठा लीजिए। जो भी वो होगी, चीटिंग मत कीजिए, वो पायल आप अपनी मानिए। तो इस तरीके से हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम अब पायल नंबर 2 को हटा देंगे यहाँ से दोस्तों, और पायल नंबर 3 को भी हटा देंगे, और पायल नंबर 1 से अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हाय पायल 1, पायल 1 के सभी दोस्तों को बहुत 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 बधाई फरवरी के मंथ की। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपने ये इमेज चूज़ की है, इस इमेज से मुझे डेफिनेटली किस
किसी क्राउन की, जैसे कोई एनर्जी आपको कोई पोजीशन की आ रही है, कोई अपग्रेड हो रहा है, और एक मैजिक वॉन्ड होती है ना, जैसे कि चमत्कारी वॉन्ड, कुछ उस तरीके की एनर्जी मुझे इससे नज़र आ रही है, और कुछ जादू टाइप का आपकी ज़िंदगी में मिराकुलस मंथ ये होने वाला है। ये देखते हैं और देखिए आपका फेवरेट कार्ड यहाँ पर है, योर विश इज़ ग्रांटेड, वॉट यू आस्क फॉर इज कमिंग ट्रू। तो बहुत बहुत बधाई ऑलरेडी देती हूँ। पाइल नंबर वन अगर आपने सिलेक्ट की है तो आप बहुत ही लकी हैं। मंथ ऑफ फेब्रवरी 2022 आपके लिए आपकी विश को ग्रांट करने वाला है। इस महीने में या आपकी विश ग्रांट हो जाएगी या फिर आपको इस विश के ग्रांट होने का 100% आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई अगले आने वाले इस महीने में मेरी बात पक्की होने वाली है, क्योंकि ये कह रहे हैं यू आस्क्ड फॉर, जो भी आपने मांगा है वो आपके लिए आने वाला है। तो ये एनर्जी हम लेके बढ़ते हैं। साथ में मैं पहले आपके लिए ब्लेसिंग्स ही पढ़ना चाहती हूँ क्या आ रही हैं। तो इस मंथ में आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगी, ब्लेसिंग ऑफ गुड मैन एंड फादर। तो अगर प्यार देख रहे थे तो आपकी ओर एक ऐसे इंसान चले आएंगे जो कि बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही डिवाइनली, जैसे जीसस क्राइस्ट, जैसे रामदास गुरु जी, जैसे गुरु नानक जी, कृष्ण भगवान जी की उनमें ऊर्जा है, तो वो बहुत ही डिवाइन है। ऐसे मैन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। बाकी गुड मैन और फादर्स की आप, अगर आपके फादर इन हेवन हैं तो भी वो आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करें आपका डिज़ायर। बाकी आपके फादर अगर धरती पर हैं तो वो आपको ब्लेस करेंगे किसी तरीके की उनकी गाइडेंस, किसी तरीके की उनकी हेल्प, शायद वो हेरिडिटी मनी आपको दे रहे हैं, किसी तरीके की इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको अच्छे आदमियों से आने वाली है, अच्छे मेल से आने वाली है। ये आपके ऑफिस एरिया में भी हो सकते हैं कि आपका कनेक्शन किसी ऐसे इंसान के साथ हो, शायद आपके बॉस, आपके कोलीग्स, जो आपको ब्लेस करेंगे इस मंथ में। इसका आप खास ध्यान लीजिएगा कि कौन से मेल्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं इस मंथ में। और देख लेते हैं आपकी ब्लेसिंग, पहले आपकी ब्लेसिंग्स ही देखते हैं डियर फ्रेंड्स, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगी रीडिंग। ब्लेसिंग फॉर अ मदर, ये बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग है। डेफिनेटली अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो पेरेंटहुड आपकी तरफ चला आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि ब्लेसिंग फॉर अ मदर, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पार्टनर कुछ ऐसे सुझाव आपको दे रहे हैं जिसमें आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग लग रही है। तो यहाँ पर एक मेल फीमेल की एक कोऑपरेशन, जैसे एक फादर मदर का, मुझे फादर भी और मदर भी, एक पेरेंटहुड की तरफ आना, या फिर इस पाइल में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स पेरेंट्स की तरफ से। ब्लेसिंग फॉर अ मदर, ये भी हो सकती है कि आपकी मदर की अगर हेल्थ सफ़र कर रही थी तो वो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती है। और इस पाइल में अगेन मैं बोल रही हूँ रिलेशनशिप हीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हीलिंग, कुछ उस टाइप से। इससे आप ज़्यादा खुद रिलेट कर पाएंगे, आपको खुद समझ आएगी कि आप मदर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग होगी। चाइल्ड मदर के रिलेशनशिप में ब्लेसिंग हो सकती है, या कुछ ऐसे फादर मदर की ही रिलेशन शिप में ब्लेसिंग हो गई, कुछ इस तरीके का। तो ये बहुत बड़ा एक मंथ है आपके लिए जहां मुझे लगता है रिलेशनशिप हाइलाइट्स और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ चली आ रही है। और देखते हैं, काफी ब्लेसिंग्स आपको दी हैं। ब्लेसिंग ऑफ दी अर्थ, ये मदर अर्थ, मदर गाया की ब्लेसिंग भी है आपके लिए। ब्लेसिंग ऑफ दी अर्थ में धरती माता आपसे कनेक्ट हो रही है। ये टाइम आपकी मैनिफेस्टेशंस का है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है। तो यहाँ पर डिजीज लव वन भी, अगर आपके माता पिता हेवन में हैं तो आप 100% जान लीजिए कि मंथ ऑफ फेब्रवरी में उन्होंने कोई बहुत बड़ी आपकी विश ग्रांट की है, इसमें उनका हाथ है आपके डिजीज लव वन और एंसेस्टर्स का। ब्लेसिंग ऑफ दी अर्थ से भी धरती माता और मदर अर्थ, मदर गाया और आपके एंसेस्टर्स, आप यहाँ पेड़ों में देखिए शक्लें, ये आपके एंसेस्टर्स हैं, इन्होंने जुड़ के आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरे करने में हेल्प की है। डेफिनेटली अपने पूर्वजनों के लिए और पितरों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए दान पुण्य कीजिए। आप मंथ ऑफ फेब्रवरी में उनको याद कीजिए, जितना ज़्यादा ग्राउंडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा नेचर में रहेंगे, गार्डन्स में रहेंगे, मिट्टी में हाथ डालेंगे, पेड़ पौधों को उगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको नर्चरिंग एनर्जी मिलेगी मदर अर्थ का। ये एक इमोशनल नर्चरिंग
मंथ है आपके लिए, जहाँ पर जैसे आपने अगर कभी लाइफ में एक्सपीरियंस भी नहीं किया कि माता पिता की रियल नर्चरिंग ऊर्जा क्या होती है, वो आप सेंस करोगे। यूनिवर्स आपको वो नर्चरिंग, वो ऊर्जा सेंस कराएगा इस महीने में। बहुत कंपैशन आपके पास आने वाला है, और जैसे जैसे आप हील होगे, अगर आपके पेरेंट्स भी अनहील हैं, वो भी हील होते जाएंगे, क्योंकि एक एंसेस्ट्रल पुरानी आपकी जो कर्मा है उसकी टोटल हीलिंग चल रही है। अ ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन, डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग तो बहुत बड़ी होती है। हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट ट्रस्ट मी, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे मैं, मेरे ऊपर गर्म पानी गिर गया, मैं जल गई, हम सीढ़ियों से गिर गए थे थोड़े दिन पहले, तो वहाँ जो हाथों पे पकड़ लेते हैं और बिल्कुल बचा लेते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी से। कई लोगों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, लेकिन इंसान पूरे ठीक निकल आते हैं। ये ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन हमें यूनिवर्स से आती है, तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम इसको ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कार्ड आ गया, अरे यार ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन क्या, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए हमें बहुत ग्रेटफुल, थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि अपने घरों में चलते चलते लोग फिसल जाते हैं, उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए लाचार हो जाते हैं, लेकिन जिन पर ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है, उनके ऊपर से ट्रक भी गुजर जाए वो नीचे से ठीक निकल आते हैं। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की कि फरवरी के मंथ में, और मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी विश आपकी फुलफ़िल हो रही है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, धरती माता की तरफ से, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी हैं, इसलिए आपको प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र भी आप पर लग सकती है कि अरे यार इनकी ज़िंदगी में ऐसा हो क्यों हो रहा है, हम सबको तो ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिलती है। इसलिए आपको प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। मॉर्गन्स ब्लेसिंग ऑफ पीस आफ्टर बैटल, डेफिनेटली इस कार्ड से मुझे ये पता चलता है कि आपने बहुत चैलेंजेस झेले हैं। ये जो ब्लेसिंग आपके पास आ रही है, चाहे ये हेल्थ रिलेटेड है आपकी, आपके पेरेंट की, आपके बच्चे की, या चाइल्ड बर्थ है, या कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपने करियर में, या मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते थे रिलेशनशिप्स में, या मूवमेंट, जो भी आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते थे, ये कोई छोटा मोटा स्ट्रगल नहीं है। जैसे 10 साल का एक टाइम फ्रेम गया है इसमें आपका, और आप शायद जानते थे या नहीं जानते थे, आपका एक हीलिंग पीरियड चल रहा था जिसमें आपके कनेक्शंस बन रहे थे एंसेस्टर्स से, मदर अर्थ, मदर गाया से, और आपने अपने आप को ना ओपन किया है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन हीलिंग एनर्जीज आपकी ना बैलेंस हुई हैं, तो अब आप ओपन टू रिसीविंग भी हो गए हो, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज आपकी, ब्लेसिंग्स हैं। अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 में, बहुत ही खुश हूँ आपके लिए ऑलरेडी। चलिए पहले आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओवरऑल एनर्जी टैरोट कार्ड से देखते हैं, उसके बाद आगे और भी ब्लेसिंग्स लेंगे। पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल, आपका फर्स्ट कार्ड ओवरऑल एनर्जी के लिए 3 of Rods फॉर द होल ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रवरी। 3 of Rods का कार्ड मुझे दर्शाता है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस का टाइम आ गया है, बस आप वेट कर रहे हैं। जैसे आप कह लिए कि पहले हफ्ते में फरवरी में आप वेट कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशंस भी कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये कार्ड ट्रैवलिंग को भी काफ़ी ज़्यादा दर्शाता है, तो कहीं मूवमेंट ट्रैवलिंग का प्लान है तो भी, ऑनलाइन एक्सपेंशंस भी इससे होती हैं, वर्क एरिया की दूसरी कंट्री के सिटी स्टेट्स के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में आ रही है। दूसरा कार्ड आपका नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दर्शाता है कि किसी तरीके की ऐसी सोलफुल जॉय का इनविटेशन आपकी तरफ आ रहा है, तो जिस चीज़ का इंतज़ार था शायद वही आपकी तरफ, वो ऑफ़र आपकी तरफ चला आ रहा है। अगर आप शादी करना चाहते थे तो एक शादी का ऑफ़र आपकी तरफ चला आ रहा है। अगर आपको जॉब, करियर प्रॉस्पेक्ट या स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए थी तो वो एक ये ऑफ़र आ रहा है। आपके बच्चे का ऑफ़र हो सकता है, चाइल्ड बर्थ का, एनीवेज ये जो भी ऑफ़र या इनविटेशन आपकी तरफ नाइट ऑफ कप्स लेके आ रहे हैं, ये आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी देगा, हीलिंग का भी हो सकता है। तीसरा कार्ड आपका बहुत ही सुंदर कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो मुझे बता रहा है कि दूसरे से तीसरे हफ्ते में फरवरी के आपकी एक बहुत बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट और चेंज आ रहा है। ये बिग लक का, गुड लक का टाइम है जब आपकी विश मैनिफेस्ट होएगी। और नेक्स्ट कार्ड आपका क्वीन ऑफ पेंटैकल्स। क्वीन ऑफ पेंटैकल्स एक बहुत ही अबंडेंट ऊर्जा को दर्शाता है, जहाँ पर हमारे पास दुनिया की सब सुख सुविधाएँ होती हैं, हम लग्जरी को
का एहसास करते हैं। और क्वीन ऑफ पेंटेकल्स भी माता रानी, धरती माता, लक्ष्मी माता, इनकी ऊर्जाएं दिखाते हैं और बताते हैं कि धरती माता की ब्लेसिंग आपके साथ, आपकी अपनी मदर की ब्लेसिंग आपके साथ, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। उसकी वजह से ये बहुत बड़ी लक फॉर्च्यून आपके लिए है। ये महीना मेरे कुछ दोस्तों के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बिग लक का भी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और क्वीन ऑफ पेंटेकल्स पैसों में बढ़ोतरी ज़रूर दिखाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे ऑफ़र की वेट कर रहे थे, हो सकता है मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री जिसमें आपकी बिग लक हो जाए, जिसमें आपको पैसा भी काफ़ी ज़्यादा मिले, तो वो ऑफ़र आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। बाकी मेरे दोस्तों के लिए जो मैंने बताया था, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट होने का है डेफिनेटली, लव मैरिज का था तो बहुत ही स्टेबल ऑफ़र। यहाँ पर जो जोडियक साइंस मुझे एविडेंट दिख रहे हैं, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो, टॉरस, सैजिटेरियस, टॉरस, कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा एविडेंट हैं इस पाइल के लिए, यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ये आपकी अपनी ऊर्जा हो सकती है, या आपके माइंड पे कोई पर्संस हैं, अच्छे गुड मैन या गुड वुमन जो हैं आपकी लाइफ में कनेक्ट होंगे, वो ये हो सकते हैं। चेयर एम्प्टी, समथिंग, समवन इज लीविंग योर लाइफ। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपकी लाइफ में ऊर्जा आ रही है, इससे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ से लीव कर रहा है, वो है आपकी टॉक्सिक एनर्जीज। ऐसी जो सिचुएशंस थी जो आपको जकड़न देती थी, पर्सन, प्लेस या सिचुएशंस जहाँ पर आप सफोकेटेड, चोक फील करते थे, आपकी वाइब्रेशन उससे ज़्यादा बदल गई है। तो आपके लिए अब ये जो मूवमेंट है, जो भी है, ये नेक्स्ट स्टेज लिटरल मूवमेंट हो सकती है बिग फॉर्चून के साथ, अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री की, या मूवमेंट ऑफ अ जॉब, या मूविंग एक ऑफर ऐसा, सेटलमेंट का, कुछ भी जो आप मैनिफेस्ट करें। हेल्थ भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, हीलिंग आएगी आपकी तरफ। तो जो आपको लीव कर रहे हैं, वो आपके, वो चीज़ थी जो आपको परेशान कर रही थी, जो आपको जकड़न में रखती थी, ये एम्प्टी चेयर है। कुछ लोगों के लिए ऑफिस वगैरह में से कोई इंसान जा रहे हैं तो उनकी पोजिशन आ रही है, किसी के जाने से कोई पोजीशन आपकी तरफ आना आपकी बिग लक भी हो सकती है। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, ये महीना आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी, क्योंकि गुड लक का सेकंड कार्ड भी यहाँ पर है, तो बहुत बड़ी गुड लक आपके टूवर्ड्स आ रही है। इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है मेरे फ्रेंड्स के लिए। आगे चलते हैं और गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं, उसके बाद मैं प्रोसीड करूँगी आपकी वीकली रीडिंग्स के लिए, ठीक है? तो देखते हैं कौन सा चक्र आपका मोस्ट एक्टिवेटेड रहेगा। रूट चक्र, डेफिनेटली एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग के साथ आपके रूट चक्र में बैलेंस क्रिएट हो गया। यिन यांग एनर्जी, वही आपका डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो है, बिल्कुल बैलेंस्ड है इस टाइम पर। तो रूट चक्र हमारी मैनिफेस्टेशंस कराता है, हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, पैसा, बैंक से किसी तरीके की हेल्प अगर चाहिए हो, मतलब कोई भी जैसे लोन्स चाहिए हैं, किसी तरीके की प्रॉपर्टी परचेजेस, डेफिनेटली प्रॉपर्टी परचेज भी हो सकता है आप कर रहे हो इस मंथ में। तो ये जो चक्रा होता है, इसके हील होने से ना हमें फिजिकल बॉडी में भी स्ट्रेंथ आती है, जैसे टांगों में, बाजुओं में, फिजिकली हम स्ट्रांग फील करेंगे, मसल्स, बोन, टीथ, और मैनिफेस्टेशंस भी हमारी फिजिकल वर्ल्ड में हो जाती हैं, जैसे शादी आपकी मैनिफेस्ट होगी, आपका बच्चा आ गया, आपकी प्रॉपर्टी बन गई, आप फिजिकल वर्ल्ड में देख पाएंगे। तो आप में से जो स्पिरिचुअल लोग भी हैं, उनके ये टाइम जो है ग्राउंडिंग का है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल थे, आपने अपनी एनर्जीज क्लीन की हैं, अब आपके पास वो डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम फ्रेम आ गया है, जब आप लक देख रहे हैं, जब आप चीज़ें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी शिफ्ट होती देख रहे हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, कॉम्पिटिशन्स झेले हैं, और अब आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का टाइम आया है। और भी देखते हैं, अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, अपॉर्चुनिटीज आके चली गई, उस समय आप तैयार नहीं थे, तो ये इसीलिए वो थी रिहर्सल्स थी कि भाई और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए आएंगी। गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट। तो आपने बहुत बहुत मेहनत की है, और जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आपकी मेहनत शिद्दत की वजह से आ रही हैं, तो आप अपने आप को इस महीने में खूब ज़्यादा क्रेडिट दीजिएगा, और नो मोर कंप्लेनिंग्स। अब आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी है, ये आपको एंजल्स कह रहे हैं।
कंप्लेंट्स और अफर्मेशन ऑफ विक्टमहुड, विक्टमहुड से आपको बिल्कुल बाहर निकल के आना है, विच इज नेवर ट्रू स्पिरिचुअली. टेक बैक योर गॉड गिवन पावर बाय अफर्मिंग दैट यू हैव एन अबंडेंस ऑफ चॉइसेस एंड फ्रीडम. फ्रीडम मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में. With your increased confidence and assertiveness, watch these positive affirmations blossom into your reality. Beautiful. तो अब ये बहुत बड़ी आपको गाइडेंस आ गई है एंजल्स से कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ ना अब आपने रोने धोने नहीं करने हैं, क्योंकि दूसरा कार्ड ना यहाँ पर आर्कएंजल माइकल ने भी दे दिया है जो बोल रहे हैं डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ. तो भाई अगर अब भी हैप्पी नहीं होगे तो कब हैप्पी होगे? प्लीज़ इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आने के साथ, इतना गुड फॉर्चून का टाइम होने के साथ आपको हैप्पी होना पड़ेगा. ठीक है, और क्या क्या आपको करना है इस महीने में? भाई आपसे एक बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं एंजल्स, और हो सकता है करियर स्प्रेड में आपने पाइल वन चूज की और 2022 की फिर से वेजिटेरियन कार्ड आ गया. आपकी ना वाइब्रेशंस चेंज हो रही हैं और धरती माता चाहती है कि आप रॉ चीज़ें जितनी धरती से निकलती हैं, गाजरें और क्या कहते हैं आलू और जो भी चीज़ें हमारी रूट फॉर्म में स्टेम फॉर्म्स में हम धरती में उगाते हैं वो खाइए फ्रेश. तो आपकी ना वाइब्रेशन बदल रही है, ऊर्जा आपकी जो है वो अच्छी वाइब्रेट होगी कि आपकी मैनिफेस्टेशंस भी बनेंगी. तो ये कह रहे हैं न्यू वे ऑफ ईटिंग गिव्स यू मोर एनर्जी, ग्रेटर हेल्थ क्लैरिटी एंड स्ट्रॉन्गर मैनिफेस्टेशन एबिलिटी. जो भी जिंदगी में चाहते हैं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अगर थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हो तो नॉन वेज को सेक्रीफाइस कर दीजिए. वेजिटेरियन होने के लिए आपको गाइडेंस आ रही है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है. फोर्स कभी भी किसी को कोई नहीं करता, ना यूनिवर्स करता है ना हम कर सकते हैं, मर्जी हमेशा आपकी होती है. टाइम फ्रेम आपको ऑटम का आया है, ये बता रहे हैं इन द फॉल सीजन एवरीथिंग कम्स टुगेदर एंड यू रीप वंडरफुल हार्वेस्ट ऑफ अबंडेंस. तो जो भी चीज़ आपके लिए गुड लक लेके आएगी अभी उसका टोटल मैनिफेस्टेशन टाइम आपका ऑटम सीजन में आएगा. अब आप कौन से हेमिस्फेयर में मैं ये तो नहीं जानती हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपका टाइम अलग होगा, अगर आप इंडिया में हैं और कहीं पर भी आप किसी भी कंट्री में हैं अपना ऑटम सीजन आप गूगल करके देख लीजिए कौन से मंथ्स हैं. उस टाइम पर आपको फुल अबंडेंस दिखेगी. ये जो चीज़ें शुरुआत हो रही है ना, जैसे इन्होंने बताया योर विशेस ग्रांटेड, ये ऑटम सीजन में इसकी फुल आपको ना सेटलमेंट दिख जाएगी, ये मुझे इससे समझ आ रहा है. लव लाइफ के लिए गाइडेंस है रिलीजियस फैक्टर्स. डेफिनेटली अगर आप इस रीडिंग को सीक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में ऐसा है जो रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से आप सोचते होंगे कि भाई ये मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रही है. तो योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ. तो इसके दो चार क्या कई मीनिंग्स हो सकते हैं. एक तो ऑफकोर्स आपके रिलीजन्स अलग हैं एट द फेस ऑफ इट, और कई लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में होते हैं तो मानते हैं कि भाई सिख की शादी नहीं हो सकती हिंदू से या मुसलमान की, उस तरीके के किसी का माइंडसेट हो सकता है. ऐसा कभी होना नहीं चाहिए बट हो सकता है, वो मैटर करते हो. रिलीजियस फैक्टर्स में एक और बहुत ही मतलब छोटे दिमाग की सोच है कि एज के हिसाब से लोग सोचते हैं कि भाई लड़की छोटी हो लड़का बड़ा हो. यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई लोग पैदा होने से ही कई बच्चे इतने ओल्ड सोल्स होते हैं. कई बारी हमारी परिवार में अगर एक बेटा पैदा हुआ है और वो ओल्ड सोल है, उसका 20 साल की उम्र में दिमाग 40 साल का होगा, और अगर वो अपने लिए एक ऐसी लड़की को पसंद करता है जो 30 साल की है, तो आप समझ जाइए कि उसका जो मेंटल मैच है वही है. आपको कभी कभी समझना पड़ेगा अगर आप ऐसे पेरेंट हैं और आप एज को बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अरे मेरे बेटे की तो ये उम्र है तो 10 साल बड़ी है या मेरी बेटी की ये उम्र है. एज को प्लीज़ कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि एज एक नंबर होता है. मैच्योरिटी का रिलेशन एज से कभी भी नहीं है. आपका जो सोल मैच है या आपका मेंटल मैच है बच्चे का, वो उसको खुद ही समझ आएगा. तो अगर उनको अट्रैक्शन डिफरेंट एज के लोगों के साथ है तो इसका मतलब उनका मेंटल मैच अलग एज के साथ मैच होता है. इसकी आप अंडरस्टैंडिंग खुद भी लीजिए, अपने पेरेंट्स को बताइए अगर आप सफ़र करते हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में. और अगर आप एक पेरेंट हैं तो प्लीज़ समझिए, एज को आप बार मत बनाइए किसी भी रिलेशनशिप के लिए. रिलीजियस फैक्टर्स और भी बहुत ज़्यादा मतलब दखियानुसी ख्याल होते हैं लोगों के, जो वो
छोटी मोटी चीज़ें लेके आते हैं तो किसी तरीके का रिलीजियस फैक्टर है जो आपको समझाना बुझाना पड़े। दूसरा रिलीजियस फैक्टर ये क्या होता है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं तो एक बिलीफ सिस्टम होता है कई बारी कि आपके पार्टनर जो हैं वो स्पिरिचुअल इन नेचर ज़्यादा हैं, या आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, या आप स्पिरिचुअल हैं वो प्रैक्टिकल हैं। उस केस में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही तो यहाँ पर थोड़ा सा ना दोनों का बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा, थोड़ा वो भी स्पिरिचुअल हो जाए। इस मंथ में हनीमून की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंजॉय द ब्लेस ऑफ हॉलीडे एंड टाइम टुगेदर, बहुत अच्छा टाइम है, कई मौके मिलेंगे आपको अपने लव्ड वंस के साथ, पार्टनर के साथ घूमने फिरने का, एक्सप्लोर करने का, हनीमून करने का, बहुत अच्छी बात है। सरेंडर टू क्रिएटिविटी, तो आपको तो सरेंडर करने के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव कार्ड आया है, ये आपका सेक्रल चक्र हीलिंग है रूट चक्र के साथ। लेट योर इमेजिनेशन सोर, स्टे ओपन टू ऑल क्रिएटिव आइडियाज अबाउट हाउ टू परस्यू अ ड्रीम और सॉल्व अ प्रॉब्लम, बहुत ब्यूटीफुल है, क्रिएटिविटी आपकी और एनहांस होगी, ये थर्ड आई चक्र सेक्रल चक्र का कॉम्बिनेशन है तो ब्यूटीफुल है। जो भी चीज़ें आपका इनर चाइल्ड करना चाहता था, यहाँ पर एक छोटी लड़की ही है तो इनर चाइल्ड जो परस्यू करना चाहता था उसको परस्यू कीजिए, आप लाइफ में क्रिएटिव चीज़ें कीजिए जो बचपन में करना चाहते थे, चाहे डांस कीजिए, पेंटिंग कीजिए, जो भी क्रिएटिव मन करता है वो आप कीजिए। आप गार्डेड और प्रोटेक्टेड हैं, ये सेकंड कार्ड है ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन का, ये आर्कएंजल माइकल की स्वॉर्ड के साथ आया है। जितने भी नेगेटिव पीपल प्लेसेस एंड सिचुएशंस हैं उनको आपकी लाइफ से हटा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड और प्रोटेक्टेड हैं, तो थैंक्स कीजिए यूनिवर्स का, ग्रैटिट्यूड दीजिए। पूरे महीने बहुत ही सुंदर रीडिंग जा रही है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग डेफिनेटली। आप मेडिटेशन कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे इस महीने में ही, सब आंसर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, अगर शादी ब्याह में है तो डेफिनेटली हो सकता है रिलेशनशिप फैक्टर्स भी हों पर आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, ये जान लीजिए। तो स्टे कमिटेड टू योर पार्टनर्स, और किसी वर्क रिलेशन को लेकर भी किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो अब उसको कमिटेड रहिए, जिस भी चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं उस कमिटमेंट को परस्यू कीजिए। थोड़े बहुत जो अप डाउन के चैलेंजेस हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको कोई भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने से पहले टेस्ट भी करती है कि भई आप तैयार हो, अगर आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो क्या आप में कंपैशन है, क्या आप माँ बनने लायक भी हो, क्या आप दूसरों को भी वो ममता दे सकते हो, तो आपके कमिटमेंट टेस्ट की जाएगी इस मंथ में। कनेक्ट विद गाया, तो बहुत ज़्यादा चारों दिशा से इस पाइल में यही मैसेज आया कि धरती माता गाया, आप कुछ पेड़ उगाएंगे भी तो बहुत अच्छा रहेगा, पेड़ पौधे उगाइए, पानी दीजिए, नर्चर कीजिए, एनिमल्स पेट एनिमल्स को खाना दीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है धरती की एनर्जी से कनेक्ट होने की। और मेरे काफ़ी ग्राउंडिंग की वीडियोस भी हैं, तो एक वीडियो जो वो है ना क्लेंस डिटॉक्स एंड ग्राउंड, उसमें मैंने जिसमें बोला है कि आप अपने आप को पेड़ समझिए और आपका लोअर बॉडी जैसे रूट्स हैं उस वाली हीलिंग को आप पूरा महीना लेते रहिए और देखिए आपको कैसे स्ट्रेंथ मिलेगी। और जितनी भी माता रानी की हीलिंग्स हैं, 2022 की एक सबसे पावरफुल हीलिंग बनाई थी शेरावाली माता से, वो वाली लीजिए, मनी मैनिफेस्टेशन की 5 मिनट की अफर्मेशंस वाली, इतनी स्ट्रांग हीलिंग है, जब भी लेती हूँ पैसा आता है उसको लीजिए क्योंकि मैनिफेस्टेशंस का टाइम है। चलिए बहुत बहुत सुंदर शुरुआत हुई है, अब आगे देखते हैं आपकी वीकली एनर्जीज क्या हैं। तो फर्स्ट वीक आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से और चलेगा फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी से चलेगा 7 फेब्रवरी तक। आपका एक ही एक कार्ड दिया है पूरे वीक के लिए, ए पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत ही ना सुंदर कार्ड होता है, तो कोई और कार्ड ना भी मिले तो सबसे अच्छी ऊर्जा है इसकी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा ना बहुत एडवेंचर की ऊर्जा होती है, घूमने फिरने की ऊर्जा होती है, इनर चाइल्ड हीलिंग की होती है। जैसे हम बचपन में होते हैं ना, एक्साइटेड हो जाते हैं हर चीज को लेकर कि वाह, जैसे ये एक बच्चा है, इसको ये वॉन्ड ही मिल गया है, डंडा मिल गया है, भाई इसी को देख रहा है, खुश हो रहा है कि वाह मुझे कितनी अच्छी चीज मिल गई है। तो इस तरीके की आपकी ऊर्जा है, ये ऊर्जा ये भी दर्शाती है कि आपका इनर चाइल्ड रिजुविनेट हो रहा है इस टाइम पर। आप बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं इस टाइम पर, पैशनेट है
और बहुत एक्सप्लोरेशन का टाइम भी है, घूम रहे फिर रहे हैं इस टाइम पर। कुछ लोगों के लिए ये चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ इस टाइम पर आपके लिए आएगी, यंगर मैन से आपकी डीलिंग होने वाली है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन। ये यंगर मैन के किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, या तो ये आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चे को के रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ का टाइम फ्रेम है या चाइल्ड मैनिफेस्टेशन का, या फिर ये आपके एक यंगर लवर हैं, जो यहाँ पर मुझे रिलीजियस फैक्टर्स से लग सकता है कि यहाँ पर लियो सेजिटेरियस एरीज कोई उनके यंगर लवर कैंसर पाइसन स्कॉर्पियो या टॉरस कोई हो सकते हैं, उनके लिए मैनिफेस्टेशन का टाइम है। इस टाइम पर आप काफ़ी बातें कर रहे हैं, मिल रहे जुल रहे हैं अपने यंगर लवर्स के साथ, एज डिफरेंस हो सकता है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर, एक इंटीमेसी का टाइम फ्रेम भी है, तो ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है आपके लिए, इन्जॉय कीजिए। गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है इस टाइम पर, मैं डेफिनेटली फर्स्ट वीक में ही आपको बता रही हूँ। आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करेंगे, और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी तरीके का एक्सरसाइजिंग रिजाइम आप शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको बहुत एनर्जी दे रहा है, आपके इनर चाइल्ड को हील कर रहा है, ठीक है। लव एस्पेक्ट में भी ये बहुत गुड न्यूज़ का वीक है। वर्क एस्पेक्ट में कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके यंगर पर्सन के लिए, ब्रदर के लिए हो सकती है, आपके बच्चे के लिए हो सकती है, या किसी लवर के लिए हो सकती है। कोई भी गुड न्यूज़ आने का, घूमने फिरने का, मूवमेंट का ये टाइम फ्रेम है। चलिए आगे चलते हैं। सुंदर सुंदर एनर्जी सेकेंड वीक के लिए आपकी, सेकेंड वीक 8 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक चलेगा, 16 तक चलते हैं। आपका पहला ही कार्ड है 5 ऑफ पेंटैकल्स इन रिवर्स, तो ये रिवर्स में इस कार्ड को मैं बहुत ही सुंदर मानती हूँ। जब ये अपराइट आता है तो बहुत ही गरीबी का ये कार्ड होता है, लैक का होता है, जैसे रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पैसे की कमी है, किसी तरीके का ये लॉस और लैक दर्शाता है। जब ये उल्टा हो जाता है तो इसका मतलब कि आपकी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ की कमी थी उसकी पूर्ति अब हो रही है, यूनिवर्स आपको दूसरा कार्ड दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स दोबारा से जो आपकी रीडिंग में है, नाइट ऑफ कप्स का ऑर्डर ऑर्डर कह रही हूँ, ओ माय गॉड, कोई ऑर्डर भी हो सकता है यहाँ पे, कोई एक्सपोर्ट का काम करते हैं कोई लोग, तो आपको कोई ऑर्डर भी आ सकता है जो आपका बिजनेस में किसी ऐसे तरीके का ऑर्डर जो आपको बहुत बड़ी हैप्पीनेस दे रहा है, और कह रहे हैं फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन पास्ट। तो आपने कुछ ऐसी मेहनत की थी जिसकी वजह से आपकी तरफ ये ऑफर सेकेंड वीक में चला आ रहा है, वेरियस एस्पेक्ट्स में बता सकती हूँ। अगर किसी की हेल्थ खराब थी तो ये हीलिंग का ऑफर है, आपकी हीलिंग हो जाएगी, हेल्थ आपकी रिजुविनेट हो जाएगी, हैप्पीनेस और अच्छी हेल्थ आपके लिए। लव रिगार्ड में अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा फील किया था कि कोई पार्टनर नहीं है, लैक फील करते थे कोऑपरेशन के, तो एक ऐसा आपकी तरफ ऑफर कैंसर पाइसन स्कॉर्पियो वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस इंसान की तरफ से आ रहा है। ये स्टेबिलिटी का ऑफर है, ये इंसान वही गुड मैन है आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस लेके आएंगे, फाइनेंशियल गेन्स भी इनके साथ आपकी तरफ आएंगे। अगर कोई बिजनेस वर्क करियर का प्रपोजल देख रहे थे अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ का, तो यहाँ पर हीलिंग का ऑफर आएगा डेफिनेटली, इसमें आपकी तरफ अबंडेंस है ऑल एस्पेक्ट्स में। जिस भी चीज़ का लैक फील करते थे वो लैक से ओवरकम होने का आपकी तरफ ये टाइम फ्रेम आ गया है सेकेंड वीक में। चलिए थर्ड वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देख लेते हैं। थर्ड वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन में एक और नाइट का कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट्स जो होते हैं वो एक नई ऊर्जा, फास्ट मूविंग ऊर्जा लेके आते हैं, नएपन की, कुछ ना कुछ नई शुरुआत। यहाँ पर एक नया आइडिया आपकी तरफ, जैसे एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन, किसी तरीके का कोई इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आ गया, या उन्होंने ईमेल लिख दिया आपको, चैटिंग कर ली, कोई मैसेज भेज दिया, कोई फ़ोन कॉल आ गई, कोई अचानक से ऐसा आइडिया आना, या ऐसे इंसान का आना, या ऐसी सिचुएशन का होना जो आपके केस में बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक्साइटमेंट है। मुझे ऐसा लगता है नाइट्स के साथ भी, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट, और देखिए और क्या क्या बता रहा है ये। वर्क के रिगार्डिंग अगर था तो वर्क के रिगार्डिंग यहाँ पर वर्क अचीवमेंट सक्सेस की कम्युनिकेशन आपकी तरफ,
कॉइन्स मनी विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई न्यूज़ ऐसी जहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट आपको हो रहा है। मंथ ऑफ जून भी इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, और यहाँ पर फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। तो ये तो बहुत ही बड़ा मंथ आपके लिए हो गया, क्योंकि आपकी फैमिली की कोई बहुत बड़ी विश थी। हो सकता है आप कोई कोर्ट केस जीत गए, या वही आपकी पेरेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, या फिर यहाँ पर लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस पर्सन्स की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, और जून के साथ जेमिनाई पर्सन यहाँ एविडेंट हो सकते हैं जो आपकी तरफ ये गुड न्यूज़ लेके आएंगे। काफ़ी लोगों के लिए ये बच्चों के रिगार्डिंग कुछ हो सकती है सिचुएशन, जैसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाना। तो विश आपकी ग्रांटेड है इस मंथ में। किसी तरीके के रिजल्ट्स भी अगर अवेट कर रहे थे तो बहुत अच्छे आएंगे। तो किसी तरीके की बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी ट्रैवल के रिगार्डिंग भी बहुत लोगों को की तरफ दिख रही है, जो आपको अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल अपग्रेड की दे सकते हैं। वेरी गुड। चलिए लास्ट वीक की आपकी एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देख लेते हैं। लास्ट वीक आपके लिए स्टार्ट होगा 23rd से लेकर, इसको लेके चलेंगे एंड ऑफ फरवरी, 23rd क्या 21st से ही ले लेते हैं, क्योंकि 28 दिन का ही है फरवरी। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये और मेंटल क्लैरिटी, यहाँ पर बिल्कुल ट्रूथ रिवील हो गया। जो डिवाइन गिफ्ट आना था यूनिवर्स से वो आ गया। किसी तरीके की कम्युनिकेशन, आहा मोमेंट, कोई क्लैरिटी, जैसे यूनिवर्स से अपना जवाब ही मिल गया बिल्कुल, या कोई साक्षात आपके सामने, जैसे ये कह रहे हैं न्यू जॉब करियर का ऑप्शन, आपको क्लियर हो गया कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, अब आपको क्या करना है। साथ में सक्सेस अशोर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्डवर्क, या एग, जैसे एग फर्टिलाइज हो गया चाइल्ड बर्थ को लेकर। कैरेज अ जर्नी आइदर फिजिकल मेंटल, डेफिनेटली ये बहुत ही ग्रोथ का टाइम फ्रेम है। मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के लिए भी, अगर वो स्पिरिचुअलिटी में किसी तरीके का कुछ डिवाइन गाइडेंस सीख कर रहे थे, तो इस टाइम पर एक बहुत बड़ी आहा मोमेंट और एक डिवाइन क्लैरिटी का आना आपकी लाइफ में, ऐसा है। कुछ लोगों के लिए जर्नीज मैनिफेस्ट होना, जॉब चेंज, करियर, न्यू प्लेस, कुछ उस तरीके से। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम, बहुत बहुत सुंदर टाइम फ्रेम। डेफिनेटली अगर लव मैनिफेस्ट करना चाहते थे, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते थे, तो उसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी आपके लिए आ जाएगी। तो योर विश इज़ ग्रांटेड डियर फ्रेंड्स। मंथ ऑफ फेब्रवरी से खूबसूरत महीना, मैं तो कहती हूँ बहुत हो, बट ये आपके साल का शायद एक बहुत ही खूबसूरत महीना, रियलिटीज़ को मैनिफेस्ट करने का, जो चीज़ें आपने डिज़ायर की थी उसको मैनिफेस्ट करने का है। अगर इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो कमेंट डाउन बिलो, आप ये भी लिख सकते हैं नीचे कमेंट्स में कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी, और आपका कमेंट पढ़कर मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने ब्लेस किया मेरी फाइल नंबर 1 को। तो लाइक कीजिए हमारे काम को, शेयर कीजिए, और हमें भी प्रोत्साहित कीजिए कि हम भी ऐसी रीडिंग्स और से और आपकी तरफ लेते आए। बहुत बहुत शुभकामनाओं से भरा हुआ मंथ ऑफ फेब्रवरी आपके लिए, जिसमें आपकी विश ग्रांटेड है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। पाइल नंबर 1, हाई पाइल 2, सो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट की है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी 2022, ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ होने वाला है, ट्रांजिशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का महीना। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं ऐसा सेंस कर रही हूँ आपकी पाइल के साथ ही, पहले ही आपने यहाँ पर कलर ब्लू और सन आपने चूज़ किया है, डेफिनेटली आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने वाला है इस महीने में। आपके अंदर से एक बहुत बड़ी ऐसी ऊर्जा आएगी जिससे आपको सच जानने की और सच बोलने की शक्ति आएगी, और सन के साथ डेफिनेटली लाइमलाइट आपके ऊपर है इस महीने। कुछ नेम, फेम, रिकग्निशन, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स का आपके पास आना जहाँ पर आपको एक चमकते सितारे की तरह देखा जाएगा, और जिन रिलेशनशिप्स में आप सच्चाई ढूंढेंगे, कुछ ऐसा काइंड ऑफ ये मंथ मुझे आपके लिए लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ सरेंडर फियर। ओके, चलो, तो ये हो सकता है कि ये लास्ट थिंग
है जो आपको सरेंडर करनी है, जो मैं ऑलरेडी आपकी एनर्जी से सेंस कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 आपके लिए गाने भी दिए गए हैं, ओनली पाइल हिंदी में जिसके लिए गाने दिए गए हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपके लिए सेंस की वो बहुत ज़्यादा ये थी कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत राइज हो रही हैं, आप एंजेलिक एनर्जी से जुड़ते चले जा रहे हैं, आपके साथ एक डिवाइन टीम आ गई है जो कनेक्टेड है, जो आपकी एनर्जीज़ को एसेंशन की तरफ बहुत फास्ट ले जा रही हैं। तो ये जो एसेंशन प्रोसेस है जिसमें आप चल रहे हैं, इसमें अब एक स्टेज आ गई है जहाँ पर आपको लाइमलाइट में शाइन होना है, आपको सामने आना है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करना है, थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करना है, और आपको अपनी बात रखनी है, अपना सच बोलना है लोगों के आगे। तो आपको फियर की एनर्जी, नर्वसनेस की एनर्जी को अब छोड़ना होगा अपनी ज़िंदगी में, हमेशा हमेशा के लिए। तो बहुत सारी हीलिंग्स बनाई हैं फियर रिलीज करने की। एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग है टू रिलीज़ फियर फोबिया प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को लीजिए। हीलिंग्स टू रिलीज़ नर्वस एनर्जी, फियर एन्जाइटी, फोबिया पे सबको आप पूरे महीने लेंगे और चेंज देखिएगा अपनी एनर्जी में। लेट गो ऑफ फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योर सेल्फ, स्टे इन द मोमेंट, फोकस ऑन सोल्यूशन एंड सेलिब्रेट एवरी बेबी स्टेप टू फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए जो इन्होंने फर्स्ट हाईलाइट कर दिया। हालांकि मैं ब्लेसिंग्स दिखाने वाली थी आपको और गाने गाने वाली थी, उससे पहले उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि आपकी जो एसेंशन जर्नी है आप रियलाइज भी नहीं करते। आप में से कुछ लोग इतने डिवाइन हैं, इतने सोर्स से कनेक्टेड हैं, और हो सकता है कार्ड रीडर्स, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, कि आपको लगता है कि यार मुझे तो फियर ही नहीं है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, पर हार्ड कोर अंडर कहीं पर कोई फियर बेस्ड एनर्जी है आपकी, जो आपकी जो डीपेस्ट ऑफ क्लेंसिंग है ना, जब एकदम महात्मा एनर्जी से ऊपर वाले बींस के साथ कनेक्ट होने के लिए चाहिए होती है, असेंडेंट बींस के साथ, वो क्लियरिंग आपकी जो है वो रिलीज करने फियर। और फियर हम कब रिलीज़ करते हैं फ्रेंड्स? फियर तब रिलीज़ होता है जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारा कोई जज ही नहीं है, जो मैं हूँ वही आप हो। मैं आपके आगे बोल रही हूँ तो मतलब जैसी मैं इंसान हूँ वैसे ही तो आप मेरे भाई बहन सब लोग हो, कोई हम में से खास नहीं है, ना मैं खास हूँ ना आप खास हो, और एक तरीके से जितनी खास मैं हूँ उतने ही खास आप हो। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, मुझ में भी कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं और मेरे आगे जो दोस्त सुन रहे हैं उनमें भी होगी, तो मैं फियरलेस हो जाती हूँ और अपने मन की बात आराम से अपने थ्रोट चक्रा के थ्रू बोलती हूँ। इसमें मुझे कोई फर्क, कोई हर्ज नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जब मैं सच्चे मन से अपनी बात, अपने सच को जानते हुए आपके आगे रख रही हूँ। इस तरीके का ही आपका बिहेवियर पैटर्न इस मंथ में होगा जब आपका थ्रोट चक्रा ओपन अप होगा, ठीक है जी। चलिए आगे, आपके पहले गाने ही गा लेते हैं, उसके बाद आपकी ब्लेसिंग्स और सब कुछ देखते हैं। काफी सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं तो चलो ओवरऑल एनर्जी के कार्ड्स रखती हूँ और उसके बाद आपके सॉन्ग्स ले लेते हैं, ठीक है जी। सो ओवरऑल एनर्जी में आपका फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स दर्शाता है, मुझे बताता है कि आपके लिए इस महीने में काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके सामने, चॉइसेस ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, अपर चक्रास ओपन हो रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, कुछ ऐसी सोचें चल रही हैं दिमाग में। दूसरा कार्ड आपका दी सन कार्ड, मेजर अरकाना आपकी हीलिंग ओवरऑल आपकी रीडिंग का। सन इज शाइनिंग ऑन यू, नेम फेम रिकग्निशन का टाइम फ्रेम है। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ, सन कार्ड को मैं काफ़ी ज़्यादा इस हिसाब से देखती हूँ। लवर्स कार्ड आपका तीसरा कार्ड रीडिंग में, लवर्स दर्शाता है हार्मनी रिलेशनशिप्स में, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप। फरवरी का महीना भी है, वैलेंटाइंस मंथ है, हो सकता है आप में से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव रिलेशनशिप्स, बिकॉज दोनों कार्ड सन कार्ड लवर कार्ड्स का यहाँ पर आना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है मेरे लिए कि लव मैनिफेस्टेशन, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्टेशन, सोल फैमिलीज का इकट्ठे होना यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। जो भी फैंटेसीज की थी उसको मैनिफेस्ट करने का टाइम फ्रेम आ गया है।
चौथा कार्ड आपका फाइव ऑफ रॉड्स का कार्ड है। ये एक नेगेटिव कार्ड होता है, बट बिकॉज मेजर अरकानाज आपके बहुत मेजर हैं सन और लवर्स के साथ, तो ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ स्ट्रेस है, कुछ फियर बेस्ड एनर्जी आपकी अपनी ही बॉडी में है डेफिनेटली, जो आपको रिलीज करनी है। एक और माइनर अरकाना फाइव कार्ड, फाइव ऑफ कप्स, दो फाइव कार्ड यहाँ दर्शाते हैं कि मेजर चेंज का ये मंथ है डेफिनेटली। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे बताता है कि कोई सैडनेस, कोई रोने धोने की घटनाएं, कुछ रिमोर्स की एनर्जी है जो आपको अपने हार्ट चक्रा से, अपने सेक्रल चक्रा से रिलीज करनी है, क्योंकि अब टाइम आ गया है दोस्तों आपकी एनर्जीज को एलिवेट होने का, आपको एक ऊंचे दर्जे पे पहुंचाने का, चाहे वर्क एरिया में है, चाहे आपका नेम फेम रिकग्निशन आने का है, चाहे रिलेशनशिप हार्मनी है, किसी भी एरिया में अब आपको फ्रीडम मैनिफेस्ट करनी है। फ्रीडम आपको मैनिफेस्ट करनी है फुल कार्ड के साथ, उन्हीं अपनी नेगेटिव सोचों पे, उन नेगेटिव इमोशंस पे, जिससे आपको बाहर उभर के आना है और नई ऊर्जा को अपनी ज़िंदगी में लाना है। तो आप लिबरेट होंगे इस मंथ में, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी आपके शरीर में आने वाली है जो बहुत स्ट्रांग है। आपके यहाँ पर छः कार्ड्स इन्होंने मुझे स्प्रेड में दिए हैं, जिसमें से तीन मेजर अरकानास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जिनको मैं डिपिक्ट करती हूँ, फ्रीडम, लिबरेशन, लव, चाइल्ड, मैरिज, हैप्पीनेस, सक्सेस, पॉजिटिविटी, यूनियन, अपना सोल फैमिली के साथ, एंजेलिक रेलम के साथ यूनियन का ये टाइम फ्रेम है। आपको चॉइस दी गई है, यूनिवर्स कहता है चॉइस अपनी है, सिर्फ आपको अपनी बॉडी से फियर बेस्ड एनर्जीज को रिलीज करना है, तो ये सब कुछ आपका है, ठीक है। साथ में यहाँ कर्मा कार्ड आ गया है, ये कह रहे हैं कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो दोस्तों अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा आपको इस महीने में। ग्रास हॉपर सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। यहाँ पर किसी तरीके की कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में जहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स है परिवार वालों का, ऑफिस वालों का, दोस्तों का, कहीं से, जिसमें आपको सैडनेस, रिमोर्स की एनर्जी भी फील होती है, पास से भी एनर्जी आपकी बॉडी में स्टक हो सकती है, बट इस सिचुएशन को आपने बहुत केयरफुल हैंडलिंग करनी। स्पिरिचुअल लोग हैं तो हो सकता है ऐसे लोगों के, ऐसे क्लाइंट्स के कांटेक्ट में आए जिनकी एनर्जी थोड़ी लो है, उनको हैंडल करने में, उनको डील करने में आपने अपनी एनर्जीज को समेट के रखना है, बहुत केयरफुली हैंडल करने हैं इमोशंस इस मंथ आपने। डिप्रेशन, वरी, एंजाइटी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, ये आपके ना बॉडी के अंदर की फीलिंग्स हैं जो आपने, ये फियर बेस्ड एनर्जी होती है, ये डिप्रेशन एंजाइटी की ये फियर बेस्ड एनर्जी होती है कि कोई आपके अगेंस्ट है, ये रियलिटी नहीं होती है, सारा यूनिवर्स आपके साथ है। आप जिस नज़रिए से दूसरे को देखेंगे दूसरा इंसान भी उस नज़रिए से आपको रिएक्ट करता है। तो अगर आप किसी के लिए सोचेंगे कि ये मेरे अगेंस्ट है, वो आपके अगेंस्ट हो भी जाता है, तो ये आपकी फीलिंग है जो आपने रिलीज करनी है। डॉग प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, पूरे मंथ आपके अराउंड प्रोटेक्शन है एंजल्स की भी। डॉग आपके स्पिरिट गाइड एनिमल हो सकते हैं, आपके पेट हो सकते हैं, या फिर कोई बहुत स्ट्रांग पावरफुल स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं आपके जिनकी गाइडेंस आपको थ्रू आउट रहेगी। ये इस पाइल में मैं हीलिंग भी देख रही हूँ, असेंशन तो देख ही रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर मेन एनर्जी वाइब्रेशंस जो है ना आपकी लव की और सेल्फ वर्थ की हैं। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है, जितना ज़्यादा अंदर से एक लव की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, हार्ट चक्रा को ओपन अप करेंगे, उतना ज़्यादा फ्रीडम महसूस करेंगे, उतने ज़्यादा लविंग कनेक्शंस को अपनी तरफ लेकर आएंगे। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, हर किसी से क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करके अपने दिल को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार में लोग हैं, मदर फादर हैं, भाई बहन हैं, हस्बैंड है, बच्चा है या वाइफ है, कई बार वो कुछ बातें ऐसी बोलते हैं जो हमें हमारे बारे में थोड़ी बहुत तो पता होती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। तो ये क्रिटिसिज्म एक तरीके का, एक पॉजिटिव तरीके से अगर लिया जाए, सपोज़ अगर आपके परिवार में कोई आपको ये नहीं बताए कि यार रोज़ नहाया कर, यार स्मेल आ रही है, ठीक है, ये बहुत फ़नी एग्जांपल है, लेकिन
अगर आपको इस चीज पे टोका नहीं जाएगा तो बाहर वाले लोग अगर आपको बोलेंगे आपको कितना बुरा लगेगा। तो एक वैलिड क्रिटिसिज्म अगर होता है, किया जाता है, अगर कोई बोलता है कि यार बहुत ज्यादा कॉफी पीने लगे हो, थोड़ा ध्यान करो, डिहाइड्रेट हो जाओगे, इस तरीके का क्रिटिसिज्म जब किया जाता है तो वो आउट ऑफ लव होता है, उसको एक्सेप्ट भी करना जरूरी होता है। वेकेशन का टाइम फ्रेम है आपके लिए, मुझे लगता है डेफिनेटली फुल कार्ट के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान है, या फिर किसी तरीके की ऐसी फ्रीडम, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है जिसमें कुछ कंपटीशन भी है पर मूवमेंट है टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री। बर्ड पर्स्ट, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, डेफिनेटली किसी पैकेज लेटर न्यूज़ का इंतज़ार है आपको, मुझे लगता है, जो आपको कई तरीके की फ्रीडम, मूवमेंट, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी दे सकती है या लव मैनिफेस्ट कर सकती है, कुछ ऐसा है। चलिए आपके गाने देख लेते हैं। ओके माय गॉड, पहला गाना ही ये है। इस गाने को मैंने इतना सुना नहीं है तो मैं थोड़ा सा जो भी है वर्ड्स आए थे तो गा देती हूँ। डर लगता है कुछ भी कहने में जी, डर लगता है कुछ भी कहने में जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अब ये गाना जो है ये एक्चुअली एक ऐसी मूवी से है शायद, जहाँ पर लोगों की एज ज़्यादा होगी, कुछ ऐसे उम्र कटती जवानी की हटती नहीं, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। यहाँ पर क्या मैं सेंस कर रही हूँ, तो फर्स्ट तो ऑफ कोर्स आपका सरेंडर फियर, तो डर, जो डर की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपकी बॉडी, माइंड और सोल में। तो ये जो डर लगता है कुछ भी कहने में जी, यहीं से मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ कि कहना थ्रोट चक्र और डर, या आपके दिलो दिमाग पे छाया हुआ डर है जिससे आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और ये जो दिल तो बच्चा है जी, ये जो आ रहा है मुझे कहीं से सेंस कि आपका इनर चाइल्ड, आपका इनर चाइल्ड, बचपन में कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जो एक डर दहशत अंदर बैठ गई है, या फिर कोई ऐसे जवानी में या पार्टनर के साथ कुछ ऐसा, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की उम्र काफ़ी ज़्यादा है जो ये रीड कर रहे हैं, जैसे उम्र काली जवानी की कटती नहीं, लेकिन जो आपका इनर चाइल्ड है ना वो डरा सहमा सा लगता है, लेकिन आपके अंदर एक मतलब बहुत ही बच्चों वाली एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है बड़े प्यार की, बड़े पनपने की, पर वो एक होता ना जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है कि डर लगता है कुछ भी कहने में जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तो यहाँ पर कुछ तो मैं एज का भी देख रही हूँ कि शायद आप बहुत बड़े हो गए हैं तो आपको लगता है अरे यार इस उम्र में इनर चाइल्ड हीलिंग क्या करनी है, या फिर यहाँ पर कुछ एज कंसर्न है कि चाइल्ड मैनिफेस्टेशन में बच्चा पैदा करने की उम्र ज़्यादा हो गई है, या प्यार करने की उम्र ज़्यादा हो गई है, कुछ ऐसा है कि कैसे बोलूँ, कैसे अप्रोच करूँ, या तो ये लव सिचुएशन हो सकती है या फिर ये किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी पाने की सिचुएशन है जिसमें आप कुछ बोलते ही नहीं, अपने दिल की बात बोलते नहीं, रखते हैं दिल में और थ्रोट चक्रा को दबा के रखते हैं। चलो दूसरा गाना देखते हैं। तो यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थ्रोट चक्रा हीलिंग की, और जितनी भी हीलिंग्स मैंने बनाई थी ना फियर बेस्ड एनर्जी की, वो आपको लेनी है। ये तो किसी के प्यार के लिए है, तो बहुत ज्यादा प्यार आप करते हो तो गाना ये है आपका। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तुम मेरे दिन में रातों में खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजू तुझको ये पयाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, हो 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 हो
फूलों पर शबनम की नमी है, रंगों की महफिल सी जमी है। ला 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 हो मौसम भी मंजर भी मैं भी, कहते हैं बस तेरी कमी है। बागों में हम जो मिले तो गाए सारे काफिले, महके सारा ये जहां हवाएं महकी सी चले। तेरे ख्वाब सजाते रहना अब है मेरा काम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। बहुत ही सुंदर है। और मैंने ये गाना पता है क्यों गाया भी इतना सारा? आपके थ्रोट चक्रा को ओपन अप करने के लिए, क्योंकि कोई सुर नहीं बन रहा था, कोई ताल नहीं था, लेकिन गाई जा रही थी आपको ये बताने के लिए कि अगर आप अपना थ्रोट चक्रा ओपन अप करना चाहते हो तो शाय मत होइए, बिल्कुल मत शर्माइए, बेझिझक अपने मन की बात बोलिए, सारे गाने गाइए। हो सकता है वैलेंटाइंस पे आप ये गाना सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये तो डेफिनेटली ये सेवन ऑफ कप्स के साथ ये काफ़ी क्लियर हो गया, ये फैंटेसी है किसी की, ये प्यार जो है ये। तेरी याद हम सफर बादल के हाथों में भेजू तुझको ये पयाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। इतना प्यारा प्यारा आपके मन में फीलिंग है ना, जिसके लिए भी आप प्लीज़ उसको एक्सप्रेस कीजिए वैलेंटाइंस डे पर। और बिल्कुल डर मत करिएगा, फियर को आप रिलीज कर दीजिए और अपने मन की बात बोलिए। एक और गाना यहाँ पर आ रहा है, ये मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आप चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एक सीड जैसे बच्चे पैदा होने का दिल में आ जाता है तो कैसा लगता है, या फिर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में इतना सुंदर जुड़ता है तो कैसा लगता है, या फिर एंजल्स जैसे। गाना बहुत सुंदर है, जैसे आपसे कोई एंजल जुड़ गया ज़िंदगी में। सुनाती हूँ इतने तो सुंदर तरीके से पता नहीं याद आया। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओ माय गॉड, मुझे इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग सेंस हो रही है। आपका ना हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है फिर से, जैसे कोई इंसान आपसे बातें करने लगा, या कोई आपकी विश ऐसी मैनिफेस्ट हुई, चाइल्ड बर्थ, पेट में बच्चा आ गया है, या कोई एंजेलिक रेलम से कनेक्शन ऐसा हो रहा है कि इतनी खुशी मिल रही है। और भी गाती हूँ जितना याद आता है। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊँ, तेरे लिए मैं गाऊँ, गीत तेरे होठों पर लिखता चला जाऊँ, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। ला 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 आजा तेरा चलिए, प्यार से मैं भर दूँ, प्यार से मैं भर दूँ खुशियाँ जहाँ भर की, तुझको नजर कर दूँ, तुझको नजर कर दूँ, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम। और मौसम बदल भी रहा है फरवरी के साथ आने के साथ, और आपका दिल का मौसम भी बदल रहा है। ये छोटे मोटे कार्ड्स को भूल जाइए का, देखो 5 6 7 की ऊर्जा है या स्टेपिंग स्टोन्स।
लाके प्यारा जग सारा। तो जितना ही आपको प्यार मिल रहा है उतना ही आप दोगे, तो ये इस ऊर्जा को आप खोलिए। जो पास में जो लॉसेस हो गए हैं जिंदगी में, जो लोग चले गए, जो धोखे मिल गए, जो ऐसा हुआ, आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हुए, चाहे बचपन में हुआ चाहे जवानी में हुआ, धोखे खाए आपने, कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ लोगों के आपसे दिमाग नहीं मिलते थे, उससे बाहर निकल आने की ऊर्जा, इनर चाइल्ड को फ्री करने की ऊर्जा, खुशियों को अपनी तरफ लाने की, लव, मिराकल्स, हैप्पीनेस, जॉय को वेलकम कीजिए अपनी तरफ। आपका ये महीना फरवरी आपको इनवाइट करता है नई ऊर्जाओं की तरफ। बहुत बहुत सुंदर महीना आपके लिए, मेरी पायल नंबर 2 के लिए बहुत सुंदर एनर्जीज आपके लिए सेंस कर रही हूँ। और आपके लिए गाइडेंस मैसेज में रोमांस एंजल से कार्ड लव योर सेल्फ फर्स्ट। डेफिनेटली आपने अपने आप को सेल्फ लव देना बंद कर दिया था, आप एक सैड ओल्ड पर्सन की तरह रहते हैं, अपने पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, बस कि कुछ नहीं है यार मेरी ज़िंदगी में। उस ऊर्जा से बाहर निकलना है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जितना ज़्यादा अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट देंगे, सेल्फ लव देंगे, प्यार की ऊर्जा अपने लिए, जैसे मैं बता रही हूँ कि भाई मुझे चोट लग गई थी, मैं जल गई, तो यूनिवर्स ने मुझे मतलब इस चीज़ पे बिठाया कि भाई अगर तुम अपने सोचो, अगर तुम्हारे बच्चे को चोट लग जाए, जल जाए, तो तुम कितना केयर करोगी उसके लिए, या तुम्हारी माँ को लग जाए तो तुम कितना केयर करोगी। तो उस हिसाब से अपने लिए भी तो केयर करो कि अपने लिए बस हमेशा काम करते गए, जल भी गए तो काम कर दिया, हर चीज़ पे काम कर दिया। तो यूनिवर्स यही आपको भी कह रहा है कि देखो सबसे पहले अपने पर ध्यान दो, तुम्हारा जो शरीर है, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, ये सारी बॉडीज़ खुद को नर्चर करो पहले, ये नर्चरिंग मांगती हैं। अपने पे टाइम दो, अपने को प्यार दो, अपने को सहलाओ और तैयार करो, फिर दूसरे रिश्ते तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे और तुमको समझ भी आएगी कि वो लोग चाहे डिफरेंट हों। जैसे कीप एन ओपन माइंड, आपको ये समझ क्यों नहीं आता कि आपके पार्टनर्स आपसे अलग हैं लेकिन वो आपको चीट नहीं करेंगे? ऐसा आपको समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि पास्ट में बहुत चीटिंग हुई, ठीक है? तो अपने पार्टनर्स को लेके ओपन माइंड रखिए, शक ना कीजिए। कोई नया पार्टनर भी है या ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है, तो जेलसी, कंपैरिजन और शक की ऊर्जा को शरीर से बाहर निकालना है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आपके सोलमेट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं कि जैसा आपने सोचा है उस तरीके के नहीं है। ये महीना आपको डीक्लटर करना है सारे अपना, जो भी डीक्लटरिंग ऑफ थॉट्स भी कीजिए, डार्क थॉट्स की एक हीलिंग बनाई है और डिटॉक्स की प्लेलिस्ट भी है, वो भी लेते रहिए साथ में। डीक्लटर करेंगे अपना सामान जो 5 साल से इस्तेमाल किया नहीं है घर में, कोई भी कपड़े, कोई ऐसा सामान दानपुन कर दीजिए, दे दीजिए, डीक्लटर करेंगे सारे घर में, साफ़ सफाई कीजिए, रोज़ नहाइए अपनी हर एक चीज़ को। मौसम भी बदल रहा है तो ध्यान दीजिए, आप कर भी सकते हैं। ये महीना आपके लिए गुड बाय टू द ओल्ड और हेलो टू द न्यू का है। सब कुछ पुराना आप छोड़ के जाने का टाइम है, कोई नई ऊर्जा, नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। ये बोल रहे हैं यू फिनिश वन पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नाउ अ न्यू एंड इवन बेटर पार्ट इज बिगिनिंग। ठीक है जी, कुछ नया आ रहा है, रेज और प्रमोशन भी आपके लिए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड इंक्रीज इन योर अबंडेंस फ्लो अवेट्स यू। दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ योर पॉजिटिव फोकस एंड विलिंगनेस टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन डिवाइन गाइडेंस। कीप अप द गुड वर्क। तो बहुत अच्छी बात है, अपना काम भी करते हैं तो पैसे की बढ़ोतरी होगी, जॉब करते हैं रेज आएगा, करियर में रेज है, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। गेट सम एक्सरसाइजेस, बॉडी की जो एनर्जी है उसको चेंज करना है, थोड़ा शेकअप कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डीक्लटर कीजिए। एज योर बॉडी बिकम स्ट्रॉन्गर यू बिगिन टू फील स्ट्रॉन्गर इन ऑलवेज। वेरी ब्यूटिफुल। समर का टाइम फ्रेम दिया है, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे प्रमोशन है, ये जो न्यू वेलकम कर रहे हैं ये समर्स में आ जाएगा, तो समर्स तो आ ही गए हैं, स्प्रिंग सीजन में हम आ गए हैं,
तो मई जून जुलाई की ऊर्जा कह लीजिए समर के लिए, एवरी थिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर बिकम्स योर्स इन समर टाइम्स। ये बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज आ गया है। ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, वर्क एरिया से या मूवमेंट टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री कर रहे हैं। एन अपॉर्चुनिटी ट्रिप, एन अपकमिंग ट्रिप प्रूव्स टू बी लाइफ चेंजिंग इन पॉजिटिव वेज, या फिर हो सकता है फेब्रवरी के मंथ में कहीं पर ट्रैवल करेंगे, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर भी हो सकता है, या आपने अगर लवर्स के साथ या सोलमेट्स फैमिली मेम्बर्स से भी मिल रहे हैं तो एक लाइफ चेंजिंग टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है। इस ट्रैवल से बहुत ज़्यादा गेन करेंगे। Easy does it, definitely इस महीने आपको बहुत ही रिलैक्स ऊर्जा में रहना है, स्ट्रेस नहीं करना है अपने आप को। स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड ऑल द डोर्स विल ओपन। कंट्रोल को भी रिलीज करना है। फियर बेस्ड एनर्जी होती है कंट्रोल के पीछे भी। जब हम किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या सिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसे बन जाओ वैसे, उसका मतलब साफ ये होता है कि हम अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं और दूसरे इंसान को अपने आगे कुछ नहीं समझ रहे। जब भी हम किसी इंसान को अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं तो हमारे में एक छोटापन होता है, तो वो कंट्रोल की एनर्जी से बाहर निकलना है। चलिए, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी अब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बहुत लोगों के लिए, तो लव है तो बोलिए उसके बारे में, न्यू जॉब है तो भी बोलिए उसके बारे में, मूवमेंट ट्रैवल जो भी है अपने लोगों से एक्सप्रेस कीजिए। आप जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको प्रैक्टिकली अब प्लान आउट करना पड़ेगा। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, डेफिनेटली एरीज का कार्ड है, टॉरस और एरीज यहाँ पर है और जेमिनाई भी यहाँ पर है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये मई जून, ये एरीज होता है अप्रैल में जून के मंथ में, ये जो है ना टाइम फ्रेम समर का आपके लिए, ये क्लाइमैक्स जो है हो जाएगा, एंड ऑफ अ टफ साइकिल आपका हो जाएगा। ठीक है जी, ये मंथ्स याद रखना आप मेरी रीडिंग से कि आपको भनप इस चीज़ की स्टार्ट की हो रही है ऑलरेडी फेब्रवरी में और अप्रैल में जून के मंथ में आपका। जैसे ये है अप्रैल में फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच करेगा, मई में आप इसके प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने शुरू करेंगे और एंड ऑफ द टफ साइकिल आपका हो जाएगा। ये तो कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, जेमिनाई मुझे लग रहा था, एंड ऑफ द टफ साइकिल आपका जेमिनाई जून के मंथ में होगा। कम्युनिकेशन इज द की, यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ पर स्पीक योर माइंड का कार्ड फिर से है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए अपने दिलो दिमाग को बोलना डियर फ्रेंड्स। और दिलो दिमाग को हम ठीक से तभी बोल सकते हैं जब हमारा थ्रोट चक्रा हील होता है। थ्रोट चक्रा हीलिंग्स लीजिए, अपनी बात को ज़रूर रखिए अपने लोगों के सामने। एग्जैक्टली, ट्रूथ का कार्ड है आपका, मेजर चक्रा एक्टिवेशन मंथ ऑफ फेब्रवरी में, थ्रोट चक्रा, आपको अपना सच बोलना है लोगों के सामने, सच रखना, अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखाइए दुनिया को, प्लीज़ मत छुपाइए। आप जैसे भी हैं यूनिक हैं, मैं जैसी हूँ आपसे अलग हूँ इसलिए मैं भी यूनिक हूँ, आप जैसे हो मुझसे अलग हो इसलिए आप भी यूनिक हो, आप भी उतने ही इस यूनिवर्स के 100% अच्छे हो जितनी मैं हूँ इस यूनिवर्स की 100% अच्छी। ऐसे ही कोई तीसरा पर्सन भी है, सब भगवान के बच्चे हैं, सभी सच्चे और अच्छे हैं, इसलिए अपना सच बोलिए। जो लोग आपसे कनेक्ट हो पाते हैं वो आपके सच को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उनके सामने आपको झूठ छलावा नहीं करना पड़ेगा। और जो लोग आपसे अलाइंड नहीं हैं, आपको नहीं समझते, वो धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाएंगे, ये आपके लिए भी अच्छा है। एक और कार्ड की ऊर्जा आपके लिए चक्रा की ऊर्जा है नर्चरिंग, ये बहुत ही, ये हमारी रूट चक्रा के नीचे भी अर्थ स्टार्ट चक्रा नर्चरिंग के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये डेफिनेटली ये मंथ आप बहुत ज़्यादा कंपैशन फील करेंगे मदर अर्थ मदर गाया का। यहाँ पे मदर चाइल्ड रिलेशनशिप फिर हाईलाइटेड है, तो ये कंपैशन का मंथ है। कंपैशन, प्यार दीजिए और प्यार लीजिए, और जितना देंगे उतना मिलेगा। बच्चे आपको प्यार करेंगे, आप बच्चों को प्यार करेंगे, और फैमिली के और भी सदस्य जैसे सिबलिंग्स में प्यार बढ़ेगा, पार्टनर्स में प्यार बढ़ेगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स में, एंजेलिक रेल्म से आपको सपोर्ट आएगी, यूनिवर्स की सपोर्ट और लव नर्चरिंग एनर्जी आप फील करेंगे। जानवर जितने आपके आसपास हैं, पेट्स, आप उनको प्यार देंगे तो उनसे प्यार पाएंगे, तो नर्चरिंग एनर्जी
आप सेंस करेंगे और कनेक्ट कीजिए अर्थ स्टार चक्र के साथ, मेडिटेशंस कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, तो आपको जिंदगी में अगर बचपन में प्यार नहीं भी मिला माता पिता से या गार्डियन से, उसमें किसी की गलती नहीं होती है, क्योंकि वो खुद भी उतना ही दे पा रहे थे जितना उनको समझ थी, ये कह सकते हैं। और फिर देखिए, पुराने ज़माने में कोई फेसबुक, कोई मीडियाज तो थे नहीं कि इतना ज्ञान हमारे माता पिता को होता कि राइट पेरेंटिंग कैसे की जाएगी, तो जितना उनको ज्ञान था उस ज्ञान के हिसाब से वो आपको टैकल कर रहे थे। लेकिन अब इस महीने में आप अपने आप को सेल्फ नर्चर कीजिए, अपने ही माँ बाप खुद बनिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए और अपने आप को हील कीजिए और बाकी लोगों को भी हील कीजिए, तो कंपैशन की ऊर्जा रखिए इस महीने में, ठीक है जी। और देखते हैं, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का एक नया लाइफ पर्पस उभर के आएगा, उनको पता चलेगा। ऑलरेडी अगर आप हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हैं, कार्ड रीडर हैं, किसी स्पिरिचुअल लाइन में है, तो एक अपग्रेड उसमें, या फिर एक नया करियर जो आपके लिए अब स्टार्ट होने वाला है मंथ ऑफ फेब्रवरी से, जो समर्स में मैनिफेस्ट होगा आपके लिए, चाहे बिजनेस है, करियर है, प्रोफेशन है, जो भी है, ये आपको बहुत बड़ी कन्फर्मेशन आर्कएंजल माइकल से आ गई है, जो भी आपके माइंड में था, जो करना चाहते थे, अपना पैशन परस्यू करना, कि यही आपका लाइफ पर्पस है, इस लाइफ पर्पस के लिए ही आपको धरती पे भेजा गया है, तो इसको परस्यू कीजिए। अ ब्लेसिंग ऑन अ न्यू वेंचर, डेफिनेटली कोई न्यू वेंचर स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ एरिया में हो सकता है, तो यही आपका लाइफ पर्पस है, ये आपको क्लियर गाइडेंस आ गई है। ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस, तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम से अगर खुद बीमार थे या परिवार में कोई सदस्य बीमार था, कोई इंजरी थी, जैसे मुझे चोट लग गई, मैं जल गई, इस तरीके से अगर किसी की कोई इंजरी है उस पे हीलिंग आएगी, कोई बड़ी बीमारी थी तो उससे भी हील होके निकलेंगे, आपकी वाइब्रेशंस रेज हो रही हैं और ये सब जो आपकी बीमारियां थी शरीर से जो निकला है वो सब आपकी लोअर वाइब्रेशंस निकली हैं। डोंट बी मिसलेड, ये कार्ड लव रीडिंग अगर आपने चेक की थी मेरी, तो ये पाइल नंबर 2 में तब भी था और अब भी है, तो आपका लाइफ पर्पस अब इवॉल्व हो रहा है, ट्रूथ की ऊर्जा में आपको आना है और नेचुरली ऐसे लोग आपकी लाइफ से आपको छोड़ के चले जाएंगे जो लोग सच्चे नहीं हैं, ठीक है जी। तो डोंट बी मिसलेड, क्लियर अपनी दिलो दिमाग की आवाज़ को सुनिए और ऐसी ही चीज़ों को आपने सिलेक्ट करना है जो हाई इन मॉरल्स है, ठीक है जी। यूज़ योर इमेजिनेशन एंड यूज सी दी आंसर्स, डेफिनेटली आपकी थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेटेड है, तो विजुअलाइजेशन आपकी होने वाली हैं इस मंथ में। चलो, बहुत सुंदर गाइडेंस मैसेजेस आपके वीकली एनर्जी से स्टार्ट कर देते हैं, मंथ कैसा होने वाला है। एक और बात बोलना चाहती हूँ, लास्ट टाइम मुझे एक मेरी बहुत ही अच्छी क्लाइंट, फॉलोअर और फ्रेंड कह लो ही, सोल फैमिली मेंबर है आकांक्षा शर्मा, उन्होंने मुझे बताया कि वो जब मंथली रीडिंग ले रही थी तो उन्होंने एक पर्टिकुलर पाइल शायद स्टार्ट में सिलेक्ट की थी जिसका उनको कोई वीकली मतलब इतना पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने जब अपने फोर्थ वीक की रीडिंग लेनी चाहिए जनवरी में तो उन्होंने दूसरी पाइल सिलेक्ट कर ली। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि चलिए आप ओवरऑल एनर्जी के लिए किसी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर अगर आप वीकली रीडिंग्स में किसी और पाइल पर भी जाना चाहते हैं तो आप दूसरी पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, वो भी बढ़िया तरीका है। तो चलिए, मैं तो यहाँ पर स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 2 का, मंथ ऑफ फेब्रवरी, 1 फेब्रवरी से लेके 7 फेब्रवरी के लिए आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा बहुत कुछ दर्शाती है। इस टाइम पर आप दुनिया की हसल बसल, टॉक्सिक लोगों से, लो वाइब्रेशन लोगों से दूर रहना चाहते हैं, हीलिंग ले रहे हैं, और इस टाइम पर थोड़ा आइसोलेशन का टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है किसी के लिए। दूसरा कार्ड है डेविल। डेविल डेफिनेटली दर्शाता है कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास हैं या आप सेंस करते होंगे अपनी बॉडी में, बॉडी माइंड सोल में, हीलिंग का टाइम फ्रेम है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का आपका थर्ड कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि इस टाइम पर डिटॉक्सिफिकेशन की हीलिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन करती हैं और अपने आप को सेफ गार्ड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं अपनी स्वॉर्ड के साथ। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशंस आपके साथ हैं, लोग हैं, उनको आपने काटना है इस टाइम पर। और आपका फोर्थ कार्ड काफ़ी अच्छा 6 ऑफ पेंटेकल्स बता रहा है कि गिव एंड टेक में एक बैलेंस आने की ऊर्जा। तो ये पूरा हफ्ता जो फर्स्ट हफ्ता है आपके लिए
वेरियस एस्पेक्ट्स में आपको रीड करके बता देती हूँ। जो लव रिलेशनशिप में है लोग, उनके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपसे इस टाइम पर किसी तरीके का बातचीत नहीं करना चाहते, या आप या आपके पार्टनर बहुत ऑब्सेस्ड हैं फिजिकल इंटीमेसी को लेकर। कोई एक आप में से बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि भाई मुझे तो मिलना है, मुझे फिजिकल इंटीमेसी भी करनी है, और दूसरा पर्सन ऐसे हैं जो अपने आप को इस टाइम पर तैयार नहीं है, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं और अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस टाइप की कोई फिजिकल इंटरेक्शन में बंधना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसी ऊर्जा एनर्जी वाइब्रेशन लव रिलेशनशिप में देख रही हूँ। तो ये मैं आपको गाइडेंस यही दूंगी कि अगर वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं इस टाइम पर, तो आप भी रिलैक्स कीजिए, अपनी हीलिंग्स लीजिए और सोचिए कि क्यों आप इतना कंट्रोल फील करते हैं। अपने माइंड बॉडी सोल में से फियर बेस्ड एनर्जी हटाइए कि भाई अगर मैं मिली नहीं या मिला नहीं या मैंने बात नहीं कर दी तो मैं इस पर्सन को लूज कर जाऊंगी। ठीक है जी, अपने दिलो दिमाग से बहुत सारी हीलिंग्स लेनी है फर्स्ट वीक में। नेगेटिव फियर बेस्ड एनर्जीज हटानी है, डार्क थॉट्स हटानी है, नर्वस एनर्जी हटानी है और डोमिनेशन कंट्रोल की एनर्जी हटानी है। लव का ही मैं बेसिकली कंसर्न देख रही हूँ। फिर टुवर्ड्स द वीकेंड जैसे आएगा, वहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी अपनी एनर्जी में भी बैलेंस आ जाएगा। आप क्लियर कम्युनिकेशंस करेंगे, अपनी बात सीधी क्लियर रखेंगे और उनकी तरफ से भी गिव एंड टेक का बैलेंस आएगा फर्स्ट वीक में। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, फिफ्थ से लेके सेवन्थ तक ये बैलेंस वापस आ जाएगा। तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक का जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको ऑब्सेशन नहीं करना है, अपनी नेगेटिव एनर्जीज पे काम करना है, और उसके बाद फिफ्थ से लेके सात तारीख तक आपकी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का पूरा बैलेंस आ जाए। यहाँ पर एक एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन ये भी देख रही हूँ कि फैमिली का कोई सदस्य ऐसा हो सकता है जो बीमार है, जिनके ऊपर कोई बुरा साया नजर लग गई है, जैसे कोविड भी हो सकता है या कोई आइसोलेशन में रह रहे हैं, तो उनसे किसी तरीके के इन्फेक्शन फैलने का डर हो तो प्रोटेक्ट कीजिए, गार्ड कीजिए अपने आप को। और साथ में इस टाइम पर भी डिटॉक्सिफिकेशन की हीलिंग सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी रहेंगी। और 5 से 7 तारीख में बैलेंस आएगा उनकी हेल्थ में भी। अगर किसी की हेल्थ ख़राब है तो वो बैलेंस आउट हो जाएगी 5 से 7 तारीख के बीच में, मैं ये देख रही हूँ आपके लिए। जोडियक साइंस जो जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा एविडेंट है वो कैप्रिकॉन है, एरीज है, कैंसर पाइसियन, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर लियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एविडेंट है, जेमिनाई यहाँ पर एविडेंट है, कैंसर पाइसियन स्कॉर्पियो, हाँ जी, और हमने एक और जोडियक साइंस क्या यहाँ पर सेंस किए हैं, हाँ जी, लियो सैजिटेरियस एरीज है यहाँ पर, कैप्रिकॉन है यहाँ पर, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस है, कैंसर पाइसियन स्कॉर्पियो है यहाँ पर, जिनकी ऊर्जा में काफ़ी ज़्यादा सेंस कर रही हूँ इस रीडिंग के लिए। तीसरा सिनेरियो है कि किसी जॉब इंटरव्यू को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो ये जो जॉब इंटरव्यू जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं 5 से 7 तारीख में, ये आपके फेवर में हो सकता है। आपका इंटरव्यू भी है इसके रिगार्डिंग, तो अपने अंदर से ना आपने फियर बेस्ड एनर्जीज और नर्वसनेस की बेस्ड एनर्जीज को निकालना है, आपने वर्क करना है दुनिया से हटके, एनर्जी हीलिंग आपने लेनी है एम्पावर्ड यू की, और अपनी सारी अंदर से ना आपने नर्वसनेस की एनर्जी निकालनी है ये इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू आपके लिए क्रैक हो जाएगा, डिवाइन गिफ्ट यूनिवर्स से आएगा। अगर बैंक से लोन चाहते थे तो वो लोन भी आपको मिलेगा 5 से 7 तारीख के बीच में, ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। बाकी कुछ मेरे फ्रेंड्स के लिए मुझे ऐसे लगता है कि उनकी इंटरेक्शन कुछ ऐसे लोगों के साथ जो बहुत डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग है, ये टाइम फ्रेम आपके लिए है कि आपको उनसे कट के रहना है और क्लियर नो बोलना है। तो से नो टू पीपल प्लीजिंग की ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग आपकी रहेगी डेफिनेटली, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अराउंड है। फेब्रवरी का मंथ यहाँ पर इन्होंने मुझे दे दिया है, मुझे लगता है जो भी चीज़ों के बारे में आप क्लैरिटी चाहते हैं वो सब आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा फेब्रवरी 2022 में ही। ये आपको क्लैरिटी दे दिया है, बस ये नेगेटिव एनर्जीज अपनी बॉडी से निकाल लिए।
टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स. डेफिनेटली यहाँ पर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ लोग, उनके लिए ये एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देख रही हूँ कि फिजिकल इंटीमेसी में जब भी आते हैं, एक्ट ऑफ सेक्स करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ऑब्सेशन होता है कि चाइल्ड बर्थ हो जाए, बच्चा मैनिफेस्ट हो जाए. उससे आपको बाहर निकलना है. आपके लिए क्लियर गाइडेंस है कि आपको गो अंडर द स्वॉट, दूसरी टेक्निक से चाइल्ड मैनिफेस्ट आपके लिए होगा. आप मिलेंगे किसी डॉक्टर से, हीलर से, आपको गाइडेंस मिलेगी और वो आपके लिए हेल्प करेंगे चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने की. तो टू मच ऑब्सेशन ऑफ सेक्सुअल मैटर्स मत कीजिए, कोई बात नहीं. बहुत तरीकों से चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट होता है. और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, क्योंकि ये कार्ड किसी तरीके की चैरिटी का होता है, तो चाइल्ड अडॉप्ट भी करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी आपकी तरफ गाइडेंस है कि चाइल्ड अडॉप्शन की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं. डेफिनेटली ऑब्सेशन से बाहर निकल के आइए. किसी लॉयर की ऊर्जा भी यहाँ पर देख रही हूँ, तो एक लॉयर के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज है कि प्लीज़ ग्रीड में मत आइएगा. कोई आपको बहुत बड़ा ऑफर दे सकता है, अपने कोई सेक्सुअल एक्ट, उन्होंने कोई क्रिमिनल लॉयर यहाँ पर अगर है, और कोई इंसान ऐसे है जो आपको अप्रोच करते हैं, उन्होंने गलत एक्ट की है और अब वो अपने आप को बचाने के लिए आपको बहुत बड़ा ऑफर दे रहे हैं पैसे का, कि भाई ये ऑफर लेकर मुझे बचा लो, तो आपको वो नहीं करना है. अपने मॉरल्स को क्लियर और क्लीन रखना है. ये बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर किसी लॉयर के लिए भी आया है. ठीक है जी. ऑल एरियाज में मैंने आपको बता दिया है, हेल्थ भी आपकी फिफ्थ से सेवन्थ के बीच में सारी एनर्जीज ठीक हो जाएंगी. तब तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग ही लेनी है. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपकी एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी में क्या है. सेकेंड वीक आपके लिए स्टार्ट होने वाला है 8th ऑफ फेब्रवरी से 16th ऑफ फेब्रवरी तक. आपका पहला कार्ड थी एम्प्रेस. तो एम्प्रेस की ऊर्जा तो बहुत ही सुंदर होती है, अबंडेंस की ऊर्जा, पैसा आने की ऊर्जा, ऑफकोर्स प्रेगनेंसी की ऊर्जा, चाइल्ड मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा, और बहुत ही खूबसूरत लगने की, अट्रैक्टिव लगने की ऊर्जा. साथ में आपका कार्ड पेज ऑफ पेंटाकल्स. डेफिनेटली कुछ नया पढ़ना लिखना शुरू कर रहे हैं या कोई बच्चा एविडेंट है इस टाइम पर. फोर ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, बहुत स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंसेस का टाइम फ्रेम, और एम्परर भी यहाँ पर है. तो यहाँ पर एक कपल मुझे दिख रहा है एविडेंट. सबसे पहले तो बताऊंगी एम्प्रेस और एम्परर के साथ अगर चाइल्ड मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो डेफिनेटली चाइल्ड मैनिफेस्ट करने का टाइम फ्रेम आ गया है. सेकेंड वीक में बहुत बड़ी गुड न्यूज, सीड आपकी बॉडी में प्लांट हो जाएगा चाइल्ड मैनिफेस्टेशन का. स्टेबिलिटी, स्टेबल सिक्योर प्रेगनेंसी है ये, इसको लेकर बिल्कुल भी आप डाउट नहीं कीजिएगा. सेकेंड, यहाँ पर माता पिता के आशीर्वाद से किसी का घर मैनिफेस्ट होना, ऐसी एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन भी सेंस कर रही हूँ. कुछ लोगों के लिए कि अपने बच्चों को लेकर अगर पढ़ाई के लिए कुछ ऐसा सोच रहे थे कि भाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बनानी है कुछ, ये पैसों को लेके, फाइनेंसेस को लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीक है. तो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट अगर बनाना चाहते हैं किसी बिजनेस में, जैसे पेरेंट्स के साथ आना चाहते हैं या पार्टनरशिप बिजनेस अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ करना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़ा सक्सेस यहाँ आता दिख रहा है मुझे. तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैमिली गेट टुगेदर होना और फाइनेंसेस अबंडेंस, बहुत ज़्यादा पैसे की ऊर्जा, घर मैनिफेस्ट होने की ऊर्जा, कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिख रही है. चाइल्ड मैनिफेस्टेशन की भी दिख रही है डेफिनेटली इस टाइम फ्रेम पे. नॉर्मली भी ऐसे हो सकता है कि आपके घर में आपके पेरेंट्स आ रहे हैं या कुछ आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी अपग्रेड की आ रही है. जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो आप पेरेंट्स बन रहे हैं या दादा दादी बन रहे हैं, या आपके बच्चे का कुछ लाइफ में नया प्रोग्रेसिव हो रहा है. ठीक है जी. यहाँ पे कार्ड इन्होंने दिया है ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, ये हो जाएंगे आपके इस वीक में. डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ रिस्क, मुझे लगता है चाइल्ड मैनिफेस्टेशन के लिए डेफिनेटली आप दूसरी टेक्निक कोई ले रहे हैं और रिस्क लीजिए इस टाइम पर. अ चेंज फॉर बेटर, डेफिनेटली इस टाइम पर जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी अपने बड़े बुजुर्गों से, वो चेंज आपके लिए फॉर बेटर ही है. तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंथ है, पावर डायनामिक्स का मंथ है. और यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ
डेफिनेटली मैं यहाँ पर हार्मनी ही देख रही हूँ, तो ये मंथ आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। आपको मिरर वर्क करना है, बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ चाहते हैं, सपोज़ पैसा चाहते हैं, तो पैसे का दान कीजिए। वही एनर्जी हमें ज़िंदगी में वापस लौट के मिलती है जो एनर्जी हम देते हैं। जैसे प्यार चाहते हैं तो प्यार दीजिए, उसी तरीके से हेल्थ चाहते हैं तो दूसरों की लाइफ में उनको कम्फर्ट दीजिए, दूसरों के लिए केयर कीजिए, तो आपको लाइफ में कंफर्ट और केयर और हेल्थ अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ मिरर वर्क टाइप देख रही हूँ कि अगर पैसा, उन्नति, ग्रोथ चाहते हैं तो अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को भी पैसा, उन्नति और ग्रोथ दीजिए, तो आपको वो ओहदा ज़िंदगी में मिलेगा। आगे हेल्थ बहुत अच्छी है इस टाइम पर, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है। चाइल्ड मैनिफेस्टेशन, मैरिज मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम डेफिनेटली है। आपको सिर्फ जो अपनी बॉडी से रिलीज़ करनी है वो इनसिक्योरिटी रिलीज़ करनी है, कि जो कंट्रोल है पार्टनर के ऊपर वो कंट्रोल आपने रिलीज़ करना है इस टाइम फ्रेम पे। चलिए आपके थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। थर्ड वीक आपका बिगिन हो जाएगा 16th of February से लेकर इसको 21st February से 21st तक लेके जाते हैं। फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ कप्स, कोई ऑफर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कोई इनविटेशन है, अभी ऑफर हीलिंग का ऑफर हो सकता है, कोई ऑफर आपको शादी ब्याह का, या किसी, ये ऑफर आपको सोलफुल जॉय दे रहा है, ये ऑफर आपके लिए काम का हो सकता है, हीलिंग का हो सकता है। साथ में नाइट ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा है, तो ये ऑफर आपके लिए कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी लेके आ रहा है जो सोलफुल जॉय का है। और साथ में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तीनों कार्ड्स का यहाँ पर साथ में होना बहुत ही खूबसूरत नई शुरुआत दर्शाता है। डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने का टाइम फ्रेम है यहाँ पर। यहाँ पर मैं मतलब कि बच्चों की ऊर्जा तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि या तो आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, या फिर आपके बच्चों के लिए लाइफ में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़, कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन का काम जो आपके बच्चे के लिए हो रहा है, जो आपको बहुत बड़ी खुशी भी दे रहा है। हो सकता है इसमें ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है, किसी तरीके की मूवमेंट इन्वॉल्व्ड है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर किसी के तीन बच्चे दर्शा रहे हैं, जैसे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी की लाइफ में कोई बच्चे हैं जिनको लेकर उनकी एक, जो शायद पहले कट गए थे अपने माँ बाप से और अब वो आ रहे हैं एक साथ, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। ट्विंस टाइप ऑफ बच्चे आ रहे हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है, कुछ इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। और बता रही हूँ आपको, यहाँ पर लव के रिगार्ड में डेफिनेटली मुझे लगता है किसी को दो ऑफर्स आ रहे हैं, लव ऑफर्स। कोई कैंसर, पाइसन, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन से आपको लव ऑफर्स आ रहे हैं। चॉइस आपकी है इस ऑफर को लेने के लिए। ये बहुत ही मंथ, ये जो वीक है आपके लिए फर्टिलिटी का वीक है, क्रिएटिविटी का वीक है, कुछ नया मैनिफेस्ट करने का है, तो बहुत कोई नई ऊर्जा आपकी तरफ चली आ रही है। वर्क एरिया में डेफिनेटली वर्क ऑफर है, स्लो मूविंग ऑफर है, पैसा इसमें धीरे धीरे ग्रो करेगा। कुछ लोगों के लिए ये स्टार्टअप टाइम है, अपना नया प्रोफेशन, जो भी इनका लाइफ पर्पस है उसको स्टार्ट कर रहे थे। सक्सेस अश्योर्ड है आपकी इस टाइम फ्रेम पर डेफिनेटली। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, ऐसा आपको लगता है। आप स्पाई भी करेंगे इस टाइम पर, आप थोड़ी स्पाई करेंगे, देखेंगे कि कोई आपसे ये अपॉर्चुनिटी छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहा। आप माता रानी की, काली माता की ना वो वाली जो है कॉर्ड कटिंग वाली हीलिंग इस टाइम पे लीजिएगा, अगर कोई आप पे काला जादू वगैरह कर रहे हैं तो वो भी हट जाएंगे। कीप योर लाइफ इन बैलेंस डेफिनेटली इस टाइम पर। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट डेफिनेटली। आप ना इस टाइम पर कुछ ऐसी ऊर्जा में है कि स्पाई कर रहे हैं, लोगों के बारे में पीछे से जानना चाहते हैं, और कुछ ऐसा बहुत ही हाई ऑन पैशन एनर्जी है, जैसे किसी से नफरत एक मिनट में होती है, किसी से प्यार एक मिनट में होता है, कुछ ऐसा है। हेल्थ के रिगार्डिंग किसी का था तो हीलिंग आएगी डेफिनेटली, जो उनकी रिपोर्ट्स होंगी, अगर बच्चों की भी कोई रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट्स, एग्जाम रिपोर्ट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट, अगर किसी मदर की, फादर की, या कोई फैमिली में किसी की टेस्ट रिपोर्ट्स हैं तो अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी, हीलिंग रिपोर्ट्स आएंगी इस टाइम पर। फाइनेंसेस अच्छे नज़र आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, कोई कागज़ी काम का टाइम फ्रेम है ये इस टाइम पर डेफिनेटली।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक्सपेंशन का टाइम फ्रेम डेफिनेटली है आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मदर अर्थ की एनर्जी हर जगह महसूस कर रही हूँ आपके लिए। लास्ट वीक 21 से लेके 28 फरवरी तक। पहला कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड 2 ऑफ कप्स, बहुत ही सुंदर। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन यहाँ पर। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये टाइम भी आपके लिए ना वही है कि आपने अपने हार्ट से ना वो एनर्जी रिलीज करनी है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो एक एक करके बताती हूँ। पहले, सबसे पहले तो बता रही हूँ, लव रिलेशनशिप में अपनी सीक्रेट्स को अपने साथ रखिएगा। देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप किसी के साथ इंडल्ज कर रहे हैं, हो सकता है एज डिफरेंस भी हो इस पर्सन के तरफ कोई कैजुअल रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं किसी के साथ। बट पहले जिंदगी में आपके हार्ट ब्रेक्स भी बहुत हुए, लोग आपसे डिसेप्शन चीटिंग करके भी गए जिंदगी में। रीज़न ये था कि आप ना सबको दिल के भोले हो, सबको अपनी बात बता देते हो, तो आपने ये थोड़ा सीक्रेटिव रखना है। जो भी आपकी ज़िंदगी में ये नई शुरुआत हुई है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कमिटमेंट में, तो इसको थोड़ा सीक्रेटिव रखना। यहाँ पे वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एरीज, कैंसर, पाइसन, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा एविडेंट हैं, टॉरस भी। दूसरी चीज़, जो अपॉर्चुनिटी आपकी मैनिफेस्ट हो रही है मूवमेंट, ट्रैवल की, मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, जिसमें आपने बात की है एक पर्सन से जो हायर पोजीशन पे हैं, जिन्होंने आपके लिए एक्सेप्ट की है अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ भी आपने सीक्रेट रखनी है। थर्ड चीज़, चाइल्ड मैनिफेस्टेशन आपकी कैसे हो रही है, सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट कर बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में ही होनी चाहिए। चाहे आप किसी दूसरे टेक्निक से चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को सीक्रेटिव रखना है अपनी लाइफ में। ठीक है जी, 3 एरियाज हो चुके हैं। 4th एरिया में आपको ये बता रही हूँ कि अगर डाउट था कि कोई टेस्ट ऐसे कराए थे कि भी कोविड तो नहीं है, तो कोविड नहीं होगा इनको। या आपके सबकॉन्शियस का फियर है कि आपको लगता है कि हर बीमारी मुझे हो जाएगी, वो नहीं होगी आपको। 4th ये है कि अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, साइकिक हीलर, साइकिक रीडर हैं, हीलर हैं, कनेक्ट हो रहे हैं सोल फैमिलीज के साथ, आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आपके काम को चोरी कर रहे हैं लोग। तो अपने आइडियाज़ को, अपने काम को थोड़ा सा सीक्रेटिव रखिए, जब तक कि आप एक सर्टन लेवल पर नहीं आ जाते कि आप अपने मन से उसको एक्सप्लेन करके दे सके। लोग यहाँ से आपके वर्क को देखकर चोरी करके ले जाते हैं आपके टैलेंट्स को, तो आपका दिल टूटता है। फिर आप कहते हैं कि यार ये तो मैंने ऐसे सोचा था, जिससे भी आपने डिस्कस किया वो आइडिया चोरी हो गया। तो उसमें केयरफुल रहिए। वर्क एरिया सिनेरियो में अपनी सीक्रेट्स को अपने साथ रखना। यहाँ पर डीलिंग विद एन ओल्डर मैन आपकी होने वाली है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन इस टाइम पर आपको होगा। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन डेफिनेटली हो सकता है। उनके कुछ चेकअप्स हो रहे हो और आपको लगे कि भाई इनको ओमिक्रॉन या कोरोना तो नहीं हुआ है, तो उनको वो तो नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। उस फियर से आप बाहर रहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो स्पिरिचुअली जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्रेम है अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप करने का, ऐसे सिचुएशंस, ऐसी से बाहर आने का, ऐसे लोगों को छोड़ने का, उनको नो बोलने का जो आपकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा लेते हैं देने से। तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लोगों को छोड़ने का भी टाइम आ गया है। सोलमेट्स के साथ जुड़ने का टाइम आ गया है। और लास्ट वीक में आपके लिए ग्रेटेस्ट गाइडेंस ये है, सबसे बड़ी गाइडेंस ये, अपनी सीक्रेट्स को अपनी छाती के साथ चिपका के रखिए, सारी दुनिया को मत बताइए। दुनिया में सब लोग हमारे सोलमेट्स नहीं होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारी खुशी से खुश नहीं होते, बल्कि हमारी खुशी से दुखी होते हैं। ऐसे लोगों से आपको अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। बाकी बहुत ही सुंदर मंथ आपके लिए आ गया है, आपकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन रेज हो रही है। तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे पायल नंबर 2 के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेज मेरे पायल नंबर 2 को। और अगर इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट करके आप लिख सकते हैं, आई एम हीलिंग, आई विल ओपन माई हार्ट चक्रा।
तो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि आपकी आई एम ऑन द जर्नी ऑफ असेंशन भी लिख सकते हैं, जिससे कि यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी वाइब्रेशंस को और हाई करें, या फिर आई विल रिलीज माई फियर्स लिख सकते हैं, वो भी मैं प्रार्थना करूँगी एंजल्स से कि आपके फियर्स रिलीज हो जाए। तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने शुभ, इतने हैप्पी मंथ के लिए आपको। आप अपने आप को एंजॉय कीजिए। पाइल नंबर 2, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू यू, थैंक यू वेरी मच। हाय पाइल 3, सो पाइल 3 जिन मेरे फ्रेंड्स ने इस ब्यूटीफुल इमेज को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसी एनर्जी सेंस हो रही है इस पाइल के लिए कि ये महीना आपके लिए ना बहुत कंफर्ट लेके आने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस महीने में कोई गुड न्यूज़, जैसे खुशियाँ आपकी तरफ चली आ रही हैं, सब लोग खुश हैं, और एक कंफर्ट जैसी फीलिंग कि भाई ये नहीं होता ज़रूरी कि कोई बहुत बड़ी लग्जरी ही आपको कंफर्ट दे, एक सेटिस्फैक्शन, एक मन में एक ग्रैटिट्यूड, एक हम अपने घर में ही बैठे हैं तो भाई धूप में बैठ गए, कंफर्ट लग रहा है, किसी तरीके की ऐसी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन जो है वो आपके लिए सेंस कर रही हूँ इस कार्ड से। ओ माय गॉड, पहला मैसेज आर्क एंजल माइकल आ गए हैं, ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉक्स आर लिफ्टेड। इसीलिए मैं सोच रही थी कि कंफर्ट आपको आ रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के जो भी ऑब्स्टिकल्स और ब्लॉक्स थे, जो भी चैलेंजेस थे, जो भी स्ट्रगल्स थे, उनको लिफ्ट कर देंगे आर्कएंजल माइकल, हटा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। फ़रवरी 2022 की ये ऊर्जा है आपके लिए। ऑल योर गुड पर्सनल वर्क एंड योर पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट हैव ऑल योर गुड पर्सनल वर्क एंड योर पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट हैव ओवरकम प्रीवियस ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉक्स आर लिफ्टेड अवे। You will now experience progress and forward momentum with your projects. तो काफ़ी progress का ये महीना और forward movement, जितनी भी अटकी हुई energy थी hangman वाली वो ख़त्म हो जाएगी। Stay centered in gratitude, वही मैं जो sense कर रही थी ना कि gratitude की ऊर्जा है यहाँ पर, to ensure that your flow of abundance continues. मेन एनर्जी आपके लिए यही ले रही हूँ, ऑब्स्टिकल्स और ब्लॉक्स लिफ्ट हो रहे हैं, इससे बड़ी गुड न्यूज़ किसी के लिए हो नहीं सकती है किसी भी स्टार्ट ऑफ मंथ के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स देखते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस आगे भी देखते हैं। चलो सबसे पहले मैं ना आपकी ब्लेसिंग्स ही ले लेती हूँ इस मंथ में, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और भी देख लेते हैं। चलो वाओ, ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी। तो अगर कोई मूवमेंट प्लान की थी अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, तो वो बहुत बड़ी बिग विश फुलफिलमेंट हो रही है। बाकी ये एक कार्ड ये भी दर्शाता है कि किसी टाइप की जर्नी शायद आप फरवरी के मंथ में लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे नंबर 22 है, तो मुझे लगता है 2022 में किसी टाइप की आप जर्नी मैनिफेस्ट करने वाले हैं, जो आपकी जिसकी शुरुआत या इन्फॉर्मेशन आपको मंथ ऑफ फ़रवरी में आ जाएगी, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे लगता है साल 2022 की बड़ी ब्लेसिंग है ये आपके लिए। अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे, डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने का, ऑब्स्टिकल्स अब हट गए हैं। जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं कैसे जाऊँ, निकलूँ इस जंगल में से, और ये मंथ आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आएगा कि आपको रास्ता मिल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगी, और आप इस फाइंड योर वे। और यहाँ जर्नी भी है, यहाँ पर जैसे कोई जर्नी पे के लिए प्लान कर रहा था और रास्ता नहीं मिल रहा था, वो रास्ता मिल जाएगा। अ ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप, अगर कोई परेशानी ऐसी थी बहुत ज़्यादा जिसको सोच सोच के सो नहीं पाते थे, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा में ब्लॉकेजेस थी, तो वो भी रिलीज हो जाएंगी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है डियर फ्रेंड्स, ब्लेसिंग ऑन स्लीप, और ये हार्मनी की वजह से हो रहे, जो मैं कह रही थी ना, कंफर्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम, ओवरबर्डन, वो सब हट रहे हैं आपकी लाइफ से, तो आपको ना एक आरामदायक, सोइए, रेस्ट कीजिए, एक आरामदायक लाइफ भगवान आपको ब्लेस करेंगे इस मंथ में। अ ब्लेसिंग ऑन योर इंट्यूशन, डेफिनेटली आपका ना थर्ड आई चक्रा क्लियर हो रहा है। थर्ड आई चक्रा से हमारे को ब्लेसिंग स्लीप पे भी आती है, जब हमारे दिलो दिमाग में शांति पड़ती है, इंट्यूटिव
हमारी थर्ड आई खुलती है तो क्या होता है कि हमारे जितने ब्रेन फॉग होती है, जितनी डार्क थॉट्स होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे इंट्यूटिव फ्रेंड्स के लिए कि इंट्यूटिव गाइडेंस नजेस आपको मिलती रहेंगी, एक ब्लेसिंग उस पर भी आपको आएगी, बहुत ही सुंदर। चलिए बाकी की ब्लेसिंग्स आपकी बाद में देखेंगे। ये भी अच्छा कार्ड है, इसको ले लेते हैं। समटाइम्स द गुड इज हिडन। वाओ, तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने इन डिस्गाइज आ रही है जिसमें ये कह रहे हैं द समटाइम्स द गुड इज हिडन। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, आपकी ओवरऑल एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन। वाओ, आपको एक ही एक कार्ड आपके पूरे मंथ की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन। 10 ऑफ कप्स, बेस्ट कार्ड ऑफ टैरो डेक। 10 ऑफ कप्स क्या दर्शाता है? विश फुलफिलमेंट से भी ज़्यादा, ओवरवेलमिंग इमोशंस। ओवरवेलमिंग इमोशंस का मतलब होता है कि ऐसी खुशी जो सही ना जा रही हो एक इंसान से, कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली जर्नी करके ट्रैवल टू मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ कैंसर, पाइसियंस, स्कॉर्पियो की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। या आपका जोडियक साइन हो सकता है, या ये ब्लेसिंग आपको किसी ऐसे पर्सन के थ्रू आ रही है। और पूरे मंथ भी आप कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो की ही ऊर्जा महसूस करेंगे। ये इमोशनल कंटेंट है, वाटर साइंस इमोशनल होते हैं, तो ये इमोशनल कंटेंट का मंथ है आपके लिए। इस कार्ड के थ्रू मैं देख रही हूँ फैमिली गेट टुगेदर, शादियाँ, शादियाँ अटेंड करना, शादियाँ फिक्स होना आपके लिए, या परिवार में किसी की बच्चे पैदा होना, कोई ऐसी न्यूज़ घर परिवार को लेकर, या मूवमेंट वर्क को लेकर भी। आप अपना कोई सोल पर्पस का काम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है, ओवरवेलमिंग सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट एंड कंटेंट जो मैंने सेंस किया था। मैरिज का कार्ड यहाँ आ गया है। डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं दैट इन्वॉल्व्स मैरिज। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फैमिली में मैरिजेस हैं, आपकी अपनी फिक्स हो रही है, या आपके ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, बच्चे की किसी की मैरिज या तो आप अटेंड कर रहे हैं, या फिर होता है ना कि भाई फेब्रुअरी के मंथ में काफ़ी ज़्यादा एनिवर्सरीज भी होती हैं। हो सकता है आपकी अपनी एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो खुश हैं आप। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, आपके लिए गाइडेंस है कि किसी भी तरीके का सिनेरियो आपके लिए अगर फेब्रुअरी मंथ में है तो आप सीक्रेट्स ज़्यादा कुछ ऐसी, मतलब हिडन चीज़ें ना कीजिए जो आपको हार्मफुल हो जाए, जो न्यू मैनिफेस्टेशंस हैं उसमें। हैंड के साथ डेफिनेटली मुझे यहाँ तो लगता है कि हमारे चैनल से हीलिंग्स आपको हेल्प करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशंस में, या हो सकता है हीलिंग्स ने आपको हेल्प किया हो इस लेवल पे पहुँचने के लिए। तो कमेंट कीजिए अगर आपको हेल्प की है हीलिंग्स हमारे यूट्यूब चैनल से। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, तो बहुत सारे लोग आपके आसपास सपोर्टिव भी रहेंगे, प्लस यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो आपके आसपास लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। और डेफिनेटली किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ऑब्स्टिकल्स को रेज करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से, क्योंकि हम रेकी हीलिंग्स करते हैं वाया हैंड्स, आप लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी मैरिजेस मैनिफेस्ट होंगी इन हीलिंग्स के की वजह से। और अगर ऐसा होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हॉर्स का कार्ड शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट जर्नी भी है किसी के लिए, लॉन्ग जर्नी भी है। डेफिनेटली मूवमेंट, ट्रैवल इज़ ऑन कार्ड्स फॉर यू, क्योंकि अगर आप इसमें भी देखेंगे कपल दूसरी तरफ देख रहे हैं, हो सकता है कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं और जाना चाहते हैं, और ट्रैवल में किसी तरीके की हैप्पीनेस है आपकी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए आगे, पहले हम देखते हैं आपके और गाइडेंस मैसेजेस क्या हैं, फिर आपकी वीकली रीडिंग्स पे जाएंगे। आपका मेन चक्र एक्टिवेटेड क्या है? मेन चक्र एक्टिवेटेड है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, इनर स्ट्रेंथ। डेफिनेटली 2022 के लिए सबसे एम्पावर्ड हीलिंग जो है हमारी दुर्गा माता ने बनाई है। इनर स्ट्रेंथ की हीलिंग्स बहुत सारी हैं, सेल्फ वर्थ की हीलिंग है, पर्सनल पावर की हीलिंग है। और 2022 वाली जो हीलिंग मैंने मोस्ट पावरफुल हीलिंग बनाई है वो
दुर्गा माता की हीलिंग लेते रहेंगे, सोलर प्लेक्सस चक्रा को, रूट चक्रा को हील करेंगे, काफ़ी इनर स्ट्रेंथ आप फील करेंगे, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेटेड है। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग साथ में जितने भी ऑरेंज और येलो कलर की हीलिंग्स हैं, आपको खुद पता है एम्पावर्ड यू, एग्जैक्टली एम्पावर्ड यू की प्लेलिस्ट जो है वो पूरी की पूरी लेंगे अपने लिए मंथ ऑफ फेब्रवरी में, तो देखिएगा कि कितने एम्पावर्ड आप हो जाएंगे। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। इमोशनल हीलिंग आपकी चल रही है, एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन्स यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। सो आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स और लव आ भी इसलिए रहा है क्योंकि आपका हार्ट चक्र अब ओपन अप हो रहा है, इमोशनल हीलिंग चल रही है, न्यू होम मैनिफेस्ट हो रहा है कई फ्रेंड्स के लिए, डेफिनेटली मूवमेंट टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री भी हो सकती है, या फिर होम में कोई एडिशनल मेंबर का आना, या होम में किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन, या होम को लेके कोई एक्सपेंशन आपके माइंड में है। मूविंग इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू। तो होम आपका जो है फोर्थ हाउस है, एक्टिवेटेड है, वही इमोशंस जो मुझे लग रहे हैं सोलफुल जॉय के, काफ़ी सेटिस्फैक्शन कंटेंट, और वही कंफर्ट जो वर्ड मुझे आपसे एसोसिएट हो रहा है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है आपके होम एरिया में कुछ डिफरेंस आ रहा है। अफर्मेशंस बोलते रहेंगे, जैसे एक मैंने मनी मैग्नेट का बनाई है एक हीलिंग अफर्मेशंस के साथ, उसको लेंगे तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी मैनिफेस्ट करेंगे। उसी तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे अच्छे सोलफुल रिलेशनशिप, चाहे जॉब, चाहे करियर, प्रोफेशन, हेल्दी फैमिली लाइफ, अफर्मेशंस बोलने से आपको हेल्प होगी टू अपलिफ्ट योर थॉट्स एंड एनर्जी एंड टू अट्रैक्ट व्हाट यू डिज़ायर। यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस, जैसे कुछ भी आप बोलना चाहते हैं आपको वो इमेजिन करना है पॉजिटिवली। जैसे किसी से भी शादी करना चाहते हैं तो बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी मैरी सो एंड सो पर्सन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी मैनिफेस्ट माय न्यू होम, इस तरीके से आप बोलेंगे। बिजनेस वेंचर भी किसी के लिए कुछ ऐसा नया, जो बिजनेस में सक्सेस, कोई नया वेंचर या फिर कोई पार्टनरशिप, कुछ नया ऐसा स्टार्ट हो रहा है बिजनेस एरिया में, उसमें सक्सेस है आपके लिए, करियर बिजनेस कुछ भी हो सकता है। ट्रस्ट एंड फॉलो थ्रू ऑन अ न्यू बिजनेस आइडिया और करियर अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली। तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है यहाँ मैरिज, पर्सनल लाइफ में भी, होम लाइफ में भी, और बिजनेस करियर पर्सपेक्टिव में। मुझे लगता है कि ये सोलफुल जो इसलिए कि टोटल कंटेंट आ रहा है कहीं ना कहीं आपको। सरेंडर टू मिराकल्स, डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन है ना इस मंथ की, वो ग्रैटिट्यूड की है जो मैं सेंस कर रही हूँ। आप काफ़ी कंफर्ट फील कर रहे हैं, आपके पास जो है लाइफ में उसको लेके ग्रैटिट्यूड भी देते हैं यूनिवर्स को, इसलिए मिराकल्स मैनिफेस्ट होंगे आपकी लाइफ में। बी ओपन टू मिराकल्स अकरिंग इन योर लाइफ, फील एंड नो दैट दीज इवेंट्स आर रियल, लेट गो ऑफ एनी रेजिस्टेंस एंड बैनिश एनी डाउट दैट मिराकल्स कैन हैपन। मिराकल्स कैन हैपन, आपने बैनिश कर देनी है ऐसी सोच, ऐसे डाउट को कि मिराकल्स मेरी लाइफ में नहीं हो सकते, ये मंथ आपके लिए मिराकल्स लेके आए। सरेंडर डिनायल, सरेंडर डिनायल का मतलब डियर फ्रेंड्स ये होता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी पर्सन आपको अप्रोच करेगा अगर मंथ ऑफ फेब्रवरी में, चाहे हेल्प के लिए या किसी भी रीज़न के लिए, आपने मना नहीं करना है। बहुत बारी मैं अपनी पाइल्स में अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि से नो, पर ये मंथ आपके लिए पता है क्या है, एक्सेप्टेंस का है। आपकी तरफ जो लोग चले आएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज चली आएंगी, आपने उनको डिनाई नहीं करना। अब आपकी एनर्जी ऐसे ओपन हो गई है कि आप अंडरस्टैंड करो उन सिचुएशंस को, डील करना सीखो, ठीक है। कभी कभी हम ऐसी वाइब्रेशन में होते हैं कि हम अपने आप को नहीं ओपन अप कर सकते, पर जब हम एक वाइब्रेशन से राइज हो जाते हैं, जब हमारा थ्रोट चक्र हील हो जाता है, तो हम एक तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट करना जानते हैं, इसलिए तब हमें डिनायल नहीं करने चाहिए, हमें ओपन रहना चाहिए हर अपॉर्चुनिटी के लिए, हर पर्सन को हील करने के लिए। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट डिनाइंग द डिफिकल्टीज, देन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली एंड मेक द बेस्ट डिसीजंस, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसको ऐसे ही, उस इंसान को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और तब सोचो कि कैसे इस सिचुएशन को डील करना है।
मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, मेडिटेशन आप करते हैं मुझे लगता है, स्पिरिचुअल लोग काफ़ी हैं मेरे यहाँ, ग्रैटिट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए है वो मेडिटेशन से आपको आएगी। यहाँ पर देखिए मिरर वर्क, अपने ही अंदर से झांक के अपनी शैडो साइड को स्टडी करके क्लैरिटी आपकी तरफ आएगी, तो मेडिटेशन ज़रूर करते रहिएगा फ्रेंड्स। वाटर मैजिक, वाटर भी आपके लिए बहुत मैजिक का काम करेगा, दो कार्ड्स मिराकल्स मैजिक को लेकर। तो वाटर की एनर्जी को जितना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करेंगे फेब्रवरी मंथ में, ज़्यादा पानी पीजिए, पानी से ओशंस वगैरह, पानी की कोई जगह आसपास है उसके घूमने जाएंगे तो आपकी एनर्जी रिजुविनेट होगी। नहाइएगा, दो टाइम नहाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। वाटर जितना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करेंगे सेक्रल चक्र हील होगा, वाटर आपके लिए बहुत मैजिकल होने वाला है। तो अपने घर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको वॉश कीजिए, मौसम भी बदल रहा है, क्लीनिंग कीजिए, वाटर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। पानी पीने का गिलास जब भरते हैं उस पर अफर्मेशंस बोलिए, आई एम पावरफुल, आई हैव इनर स्ट्रेंथ, तो वो सब वाटर एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन हाई आपको करती जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लव रिलेशनशिप्स में आपका जो रिलेशनशिप है वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यू हैव नोन ईच अदर फ्रॉम बिफोर। तो कोई सिंगल है या कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार ये बिल्कुल सोलमेट की तरह क्यों लगता है, इनकी तरफ इतनी स्ट्रांग अट्रैक्शन क्यों है, तो रीज़न ये है कि वो आपकी पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, ये एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। रोमांस एंजल्स की तरफ से दूसरा कार्ड आपको है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कार्ड कहता है यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो अपने आप पर ध्यान देने के लिए सब सेल्फ लव का कार्ड है, जितना ज़्यादा अपने पर ध्यान देंगे, देखिए ये कितना एंजॉय करी है, खूबसूरत सी तैयार है, गार्डन्स में है और रोज़ेस को एंजॉय करी, तो नेचर को, ब्यूटी को, अपने आप को निहारना, नेचर को निहारना, मदर अर्थ से कनेक्ट होना, जितने ज़्यादा आप खुद अट्रैक्टिव होते जाएंगे उसी ऊर्जा से आप और लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव देना। मून लाइटनिंग का कार्ड यहाँ पर है, ये कहते हैं यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर पार्ट टाइम व्हाइल कीपिंग योर अदर जॉब टू पे द बिल्स, सून योर ड्रीम करियर विल टेक फ्लाइट एंड फुल्ली सपोर्ट यू। वाओ, तो ये तो एक गाइडेंस है उन लोगों के लिए जो कोई साइमल्टेनियसली कोई बिजनेस या अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, पर सोचते हैं यार मैं अपना काम कैसे करूँ शुरू, क्योंकि मुझे तो यार बिल्स पे करने के लिए मतलब एक सैलरी तो चाहिए ही चाहिए है ना। तो वहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इतना कंफर्टेबल अब एक एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि अपना ड्रीम करियर आप पार्ट टाइम अब शुरू कर सकते हैं, अपना जॉब करते रहिए और बहुत जल्दी आपका जो भी पैशन है जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं इट विल टेक अ फ्लाइट और वो फुल्ली सपोर्टिव हो जाएगा, तो आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं। हॉलीडे पीरियड आपके लिए डेफिनेटली है, यहाँ जर्नी थी, शॉर्ट जर्नी भी थी और कुछ आंसर्स जो आप सीख कर रहे हैं वो आपको हॉलीडे टाइम में ही मिलेंगे। द आंसर यू आर लुकिंग फॉर कैन बी फाउंड ड्यूरिंग अ वेकेशन रिट्रीट और हॉलीडे गेटवे। ठीक है जी, और चलते हैं आगे। आपको गाइडेंस आ गई है आर्कएंजल माइकल की, वो कह रहे हैं टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन। कोई डिसीजन आपको बनाना है इस मंथ में लेकिन आपको कोई भी जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी ले ली जाएगी, चाहे वो कोई पर्सन है, प्लेस है, सिचुएशन है, कोई पैशन आप फॉलो करना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल आपको तसल्ली देते हैं कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, तो आपको कूदने की ज़रूरत नहीं है बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेने में, आराम से सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। कॉन्फिडेंस इज द की, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ आ रही है और ये शेर आ गया शेरावाली माता का, तो कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी ज़्यादा रहेगा इस मंथ में। बहुत ही सुंदर कार्ड है, लियोज की एनर्जी से आप ऑपरेट करने वाले हैं। कैंसर पाइसेंस स्कॉर्पियो देखे थे, लियो देखे हैं, यहाँ पर एरीज और वर्गो भी आ गए हैं मेरे फ्रेंड्स, ग्रेट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो एरीज सीजन में किसी तरीके का एक्शन मूवमेंट देख रही हूँ आपके लिए। दैट इज कौन सा होता है एरीज सीजन, अप्रैल माइट बी। यू आर गुड इनफ, वाओ,
फुल मून इन वर्गो, तो एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो दर्शाता है कि किसी तरीके की लो वाइब्रेशन में है आप। आपकी गाइडेंस भी सारी ऐसी ही है, मुझे लगता है काफ़ी हाई वाइब्रेट कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशंस का टाइम फ्रेम है, ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में है, बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम है। यू आर गुड इनफ, इनर स्ट्रेंथ आप में है, कॉन्फिडेंस इज द टी टी बोल रही हो, बताओ यार इज द की। टी तो अभी पी के आ रहे हैं, फिर भी देखो टी पी नहीं है आज, कॉफी पी है एक्चुअली इसलिए। वाह यार वेरी नाइस, बहुत ही मतलब इतना कंफर्ट फील कर रही हूँ आपकी रीडिंग करते हुए, अच्छा लग रहा है, तो बस इन्जॉय करना यार इस मंथ को। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, आपकी फर्स्ट वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन और देखते हैं। फर्स्ट वीक आपके लिए स्टार्ट होगा 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। आपका फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस और सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। दोनों ही कार्ड अगेन जो मैं एनर्जी सेंस कर रही थी, ये दोनों कार्ड्स का साथ में आना बहुत ज़्यादा कंफर्ट की एनर्जी, गोइंग विद द फ्लो, जिंदगी में जो भी कुछ आ रहा है उसको लिए जा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा, कंफर्ट की ऊर्जा। आपकी ऊर्जा ऐसी है जैसे कि आप कोई एंजल ही हैं, तो डिवाइन रेलम से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। या तो इस टाइम पर आपकी अपनी ऊर्जा किसी हीलर की, किसी मदर की, किसी नर्चरिंग पर्सन की बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके अराउंड कोई हीलर, कोई सैजिटेरियस, कोई कैंसेरियन पर्सन बहुत ज़्यादा है, जो बहुत आपको मतलब आपको बहुत ही नर्चर्ड फील हो रहा है, बहुत लविंग केयर्ड फॉर फील हो रहा है इस टाइम पर। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशंस देख रही हूँ, फेमिनिन एनर्जी, जैसे आपकी माता रानियों के आशीर्वाद हैं आपके ऊपर, इस तरीके की एनर्जी देख रही हूँ। इस टाइम पर भी आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को नर्चर कीजिए, औरों को आप काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं, तो अपना कप ऑफ टी आया था ना यहाँ, अपना कप ऑफ टी या कॉफ़ी आराम से बैठ के पहले पिया करें सुबह, उसके बाद दूसरे लोगों को भी दीजिए। इस टाइम पे कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी तो आप बहुत बैलेंस से, पीस से सोचेंगे, किसी टाइप की नेगोशिएशन भी हो सकती है जो आप कर रहे हो इस टाइम पर, तो जैसे कि मीडिएशन, नेगोशिएशन किसी कोर्ट केस में, तो ध्यान से मिडल रूट फॉलो करना, एक्सट्रीम्स में जाना नहीं है, डिप्लोमेसी में रहना है और आरामदायक ज़िंदगी इंजॉय करनी है फर्स्ट वीक में, ऐसा ही मुझे लग रहा है। ठीक है जी, इस टाइम पे प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड आप इंजॉय कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि मुझे लग रहा है आप चाय कॉफ़ी उनके साथ पी रहे हैं। यहाँ पे 3 कप्स की ऊर्जा है डेफिनेटली। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, कैरेट भी है यहाँ पर, तो कैरेट के साथ तो गाजर का हलवा भी खा रहे हैं, कैरेट जूस भी ले रहे हैं, कैरेट सूप पी सक रहे हैं टोमेटो के साथ। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल गेन का डेफिनेटली, किसी तरीके की मीडिएशन या कुछ ऐसा कोर्ट केस में भी तो आपको एक विंडफॉल गेन का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर एक नर्चरिंग ऊर्जा है मदर अर्थ, मदर गाया से, एंजेलिक रेलम से आपको काफ़ी बड़ी ब्लेसिंग आने का टाइम फ्रेम है, तो ये बहुत ही पीस, हार्मनी, लव का टाइम फ्रेम है जो ऊर्जा मैंने देखी थी कंफर्ट की, इंजॉय करने की। तो फर्स्ट वीक तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी सेकेंड वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देखते हैं। सेकेंड वीक के लिए आपको एक ही एक कार्ड दिया है, 6 ऑफ पेंटाकल्स। ये भी बहुत ही सुंदर कार्ड, ये बहुत ही सुंदर ऊर्जा, ये फिर से बैलेंस की ऊर्जा। फर्स्ट वीक में भी बैलेंस बहुत देख रही थी, तो इस वीक में भी गिव एंड टेक का बैलेंस। अगर आज तक ज़िंदगी में ऐसा महसूस किया है कि मैं ही गिवर हूँ, मैं ही गिवर हूँ, मुझे कुछ मिलता नहीं है, तो ये मदर अर्थ, मदर गाया ने एक एनर्जी ओपन अप आपके लिए कर दी है और वो रिसीविंग की एनर्जी है। तो इस वीक में भी आप गिव एंड टेक का बहुत बैलेंस देखेंगे। कुछ आप लोगों के लिए तो ये वीक होगा कि कोई डिवाइन गिफ्ट आपको मिलेगा, या तो ऐसे ही गिफ्ट मिलेगा, कोई कुरियर आ गया, किसी ने आपको कुछ गिफ्ट किया, वो ये वीक वो हो सकता है आपके लिए, या फिर इस टाइम पर भगवान की तरफ से कोई गिफ्ट आपको आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जैसे वो चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं, ये टाइम वो भी हो सकता है कि आप चाहते हो ऑर्फनेजेस में जाके किसी तरीके का दान पुण्य करना चाहते हैं, तो ये टाइम चैरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको कोई दे रहा है तो आप भी किसी गरीब को दीजिए, कुछ उस टाइप की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देख रही हूँ। बैंक लोन्स वगैरह अप्लाई करना चाहते थे न्यू होम या बिजनेस के लिए, तो ब्लैंक लोन्स अप्रूवल होने का टाइम फ्रेम भी ये अच्छा है।
किसी तरीके की किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ब्लेसिंग, कोई बुजुर्गों से ब्लेसिंग, तो ये मैं देख रही हूँ आपके लिए इस टाइम पे। लव रिलेशनशिप में भी गिव एंड टेक की हार्मनी का वापस से आना, जैसे कि पहले एक तरफा रिलेशनशिप था तो उसमें बैलेंस आ जाना। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स का टाइम फ्रेम फिर से बहुत ही अच्छा, और स्टेपिंग अप इनटू न्यू एक्सपीरियंस, ये लेग अप वाला कार्ड है, मतलब कि कोई पोजीशन रेज होने का टाइम फ्रेम भी, डिवाइन गिफ्ट आपका, कुछ नया शुरुआत करना या कुछ ऐसा होम मैनिफेस्ट करना या घर में मूव कर जाना या बिजनेस में एक लेग अप करके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, हो सकता है एनिवर्सरी किसी की मना रहे हैं किसी टाइप का, तो आप जाएंगे पार्लर्स भी, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड भी करेंगे इस टाइम पे, तो बहुत सुंदर एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशंस एंजॉय कीजिए इस टाइम पर। चलिए आगे चलते हैं, आपके थर्ड वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देखते हैं। थर्ड वीक आपके लिए डियर फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाएगा 16th of February से लेके 21st February तक। थर्ड वीक आपके लिए होगा, फर्स्ट कार्ड आपका है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे कोई लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस पर्सन, फिर आपका कार्ड है एस ऑफ रॉड्स, वाओ, फॉलोड बाय द सिक्स ऑफ रॉड्स। कोई नई अपॉर्चुनिटी, अपग्रेड आपके लिए, प्रमोशन, नेम फेम रिकॉग्निशन, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू क्लियर हो जाने की ऊर्जा। फोर ऑफ पेंटैकल्स, होम मैनिफेस्टेशन, अपग्रेड, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्टेशंस, बिजनेस सेटअप, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर इस कार्ड में ऊर्जा बहुत ज़्यादा हर्मिट की भी। तो डेफिनेटली जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड वीक में, इसका मेन रीज़न ये है कि आपने अपने शैडो एस्पेक्ट पे काम किया है। जो भी डिवाइनली गाइडेड आइडियाज़ आपको आए हैं मेडिटेशन से या हीलिंग से, योगा से, किसी भी तरीके से डिवाइन रियल्म से कनेक्ट होकर उन्हीं को आपने फॉलो किया है। इस टाइम पे अगर किसी तरीके का इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम या कुछ ऐसा देते हैं तो क्रैक कर लेंगे, विक्ट्री सक्सेस आपकी है। और काफ़ी लोगों के लिए एक इंटरव्यू, मतलब कुछ देख रही हूँ अपग्रेड, ऐसा बच्चे भी हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस एग्ज़ाम्स वगैरह में। अगर किसी जॉब करियर प्रोस्पेक्ट में है तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जिसमें पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है। मूवमेंट डेफिनेटली लग रही है, मूविंग टू अनदर सिटी स्टेट और कंट्रीज में अपग्रेड भी है आपका। और बाकी लोगों के लिए एक जैसे स्टेटस अपग्रेड होता है ना, कि भाई पेरेंट बन गए, ग्रैंड पेरेंट बन गए। हेल्थ बहुत अच्छी है इस टाइम पे, मेंटल क्लैरिटी बहुत है, न्यू आइडियाज़ इंस्पिरेशंस आ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने का टाइम फ्रेम डेफिनेटली है। जो भी नया कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाएंगे इस टाइम फ्रेम पे। लोगों की रिकॉग्निशन आपकी तरफ आएगी, अफेक्शन, अटेंशन, अप्रिसिएशन का टाइम फ्रेम है। वेल्थ मैनिफेस्ट करने का टाइम फ्रेम है डेफिनेटली आपके लिए, नया बिजनेस स्टार्ट, होम यहाँ पर मैनिफेस्ट होने का डेफिनेटली। कॉन्फिडेंस का ये वीक है आपका, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द एडमायरर्स डेफिनेटली दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो और वर्गो पर्सन हो सकती हैं ये। वुमन डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमन है यहाँ पर डेफिनेटली, जिन लोगों के ऑफिस में भी हैं कोई अपग्रेड दे सकती हैं, किसी तरीके की अप्रिसिएशन दे सकती हैं, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं ये लेडी आपको। और लव रिलेशनशिप में सक्सेस डेफिनेटली, क्लैरिटी ऑफ माइंड आपने रखा है, आपने अपनी बॉडी से रिलीज कर दी है वो सारी ऊर्जा जो आपको होल्ड बैक करती थी, जो आपको, आप जैसे कि बहुत पोजेसिव थे, वो ऊर्जाएं जो आपने अपने शरीर से निकाली हैं, रिलीज कराई हैं। ये सोच, कई लोगों की ये सोच थी कि आई एम नॉट गुड इनफ, वो भी सोच आपने रिलीज कराई, तो सक्सेस, नेम फेम रिकॉग्निशन आपकी तरफ चला आया। ठीक है जी, बहुत ही सुंदर वीक है, हेल्थ भी बहुत अच्छी है। अगर किसी लेडी की, मदर की, किसी की हेल्थ खराब थी तो हेल्थ रिजुविनेट हो जाएगी इस टाइम पे, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, ब्यूटिफुल। चलिए लास्ट वीक पर चलते हैं आपके लिए। लास्ट वीक आपके लिए स्टार्ट होगा 21st से लेकर 28th of February तक। आपका फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दर्शाता है कि कोई क्विक कम्युनिकेशन, मूवमेंट, ट्रैवल और
साथ में किंग ऑफ पेंटाकल्स, ये तो बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। तो यहाँ पर एक तो मुझे आपका, आपके पार्टनर, आपका बच्चा भी एविडेंट नजर आ रहा है। हाउएवर कोई अपॉर्चुनिटी इस वीक में आपके पास फाइनेंशियल अपग्रेड की आ रही है, जैसे कि नया बिजनेस सेटअप होने का कोई आइडिया अपॉर्चुनिटी आ गई, घर मैनिफेस्ट होने की आ गई। डेफिनेटली जो हम देख रहे थे कि एक प्रपोजल किसी पार्टनर से जो बहुत ही ग्राउंडेड है। लिब्रा, जेमिनी, अक्वेरियस, टॉरस की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी एविडेंट है आपके लिए। स्पिरिचुअल लव मैनिफेस्ट हो रहा है आपका। डेफिनेटली जो लोग भी लव सीख कर रहे थे, स्पिरिचुअल लव आपका मैनिफेस्ट होगा इस पर्सन के साथ। ये बहुत ग्राउंडेड है, लॉयल भी है। गोल्ड फिश इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, दोनों ही चीज़ें आपके लिए इस टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे फ्रेंड्स को। वाओ, बोट ट्रैवल चाहते हैं तो डेफिनेटली बोट कार्ड के साथ फाइनल मैनिफेस्टेशन ट्रैवल की। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, तो हाँ फाइनेंसेस को लेके ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हेरिडिटी मनी जैसे आपके फादर आपको दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, विंडफॉल गेन्स का कुछ बहुत ही जैसे लॉटरी लग जाना, ये टाइम फ्रेम लास्ट वीक आपका फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, तो इस टाइम पर एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए, क्रिएटिव आइडियाज को लीजिए। कोई वाइज पर्सन है आपके साथ, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, ये पर्सन आपके फादर या आपके ऑफिस में कोई पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस भी मिल रही है। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग, तो ये तो बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम आ गया। मेरे ख्याल से इससे सुंदर मंथ नहीं हो सकता किसी के लिए। तो पाइल नंबर 3, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट किए हैं, इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट डाउन बिलो, आई क्लेम कंफर्ट इन माय लाइफ, आई क्लेम एवरीथिंग स्टेटेड इन दिस पाइल इन माय लाइफ, और मैं आपके लिए प्रे करूंगी कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हों। बहुत बहुत सुंदर मंथ आपके लिए माता रानी की कृपा से आ गया है। डबल पैशन परस्यू कीजिए, जॉब कर भी रहे हैं तो साथ में ही नया जो भी है वर्क फ्रॉम होम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सारी चीज़ों की आपके आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, और ये याद रखिएगा समटाइम्स द गुड इज़ हिडन, तो ये एक आपके लिए मिराकुलस सिचुएशन है जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी आपको आ रही है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो आपका साल 2022 का शायद ये वन ऑफ द बेहतरीन, मैं तो कहती हूँ सारे महीने ऐसे हों, बट हो सकता है कि ये आपका सबसे बेहतरीन या वन ऑफ द बेहतरीन मंथ हो, तो इसको आप खूब इंजॉय कीजिएगा। पाइल नंबर 3, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू।